ओम ज्ञानदिविरामदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिका तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे नारद जी।
सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोद में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की महात्मा। यहाँ प्रश्न करते हैं यदि जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है बोले ये स्वयं भगवान कृष्ण ही ये भागवत ग्रंथ उसके जगत में आए, जब साक्षात ही भगवान ही है फिर इसकी महिमा की क्या जरूरत है। यदि हम कलयुग का जीव है ना, जब तक हम इसकी महिमा को नहीं समझते हैं तब तक वो ग्रंथ का प्रति हमारी रुचि नहीं आती। इसलिए भागवत की महिमा कहते हैं पद्म पुराण और एक स्कंद पुराण, ये दो पुराण में इसकी महिमा है। दूसरे प्रश्न है कहते भैया स्कंद पुराण पद्म पुराण में क्यों आए, यदि भागवत ग्रंथ कब सृष्टि हुआ है कब बनाए गए। जब श्री व्यास बने सारे ग्रंथ बना चुके थे तब भी उनके मन में कोई शांति नहीं, तब नारद जी आ करके बताए देखो जब तक तुम ये भागवत ग्रंथ रचना नहीं करोगे तब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इस जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है व्यास देव जी का अंतिम कृति है, लास्ट ग्रंथ भागवत। उसको पहले ऑलरेडी 70 पुराण बन चुका था, पहले सारे पुराण हो चुके बन चुकी स्कंद पुराण पद्म पुराण वो पहले ही हो गए। तो यहाँ तीसरा प्रश्न आता है एक व्यक्ति जन्म हुआ ही नहीं तो उसका महिमा कैसे आ गया। एक व्यक्ति का महिमा कब पता चलता है, जब बड़ा होता है। कोई जन्म लेता है बड़ा होता है तभी तो उसकी महिमा पता चलेगा ना। फिर ये पूर्व पूर्व ग्रंथ में भागवत तो अंतिम ग्रंथ है, समझ में आया कि नहीं, भागवत अंतिम ग्रंथ है। जब अंतिम ग्रंथ है पहले पहले पुराण में भागवत की महिमा कैसे आ गई है। इसलिए कहते हैं ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ये व्यास देव जी तो दिखाई पड़ता है व्यास देव जी बनाए, लेकिन ये व्यास देव जी का बनाया हुआ नहीं, ये ग्रंथ नित्य है। जैसे भगवान की जितने सारे अवतार नित्य है लेकिन दिखाई पड़ते हैं कृष्ण द्वापर में आए कृष्ण तृतीया में आए, क्या उसको पहले कृष्ण और राम नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु क्या नहीं थे, वो पहले ही थे। लेकिन जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारतवल हे अर्जुन, जब जब ये जगत में जरूरत पड़ता है धर्म की नष्ट होने लग जाए अधर्म की बढ़ने लग जाए तब तक मैंने इसी जगत में अवतीर्ण होता हूँ। उसी तरह ये भागवत ग्रंथ नित्य है लेकिन जब तक जरूरत पड़ता है भगवान स्वयं ये भागवत ग्रंथ रूप में जगत में अवतीर्ण होते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय हो। अब लोग कोई जय नहीं थे कहते जब इस ग्रंथ की जयगान देते हैं ना, ग्रंथ का थोड़ी जय, जय तो जय भगवान की जय है ही है। कहते जो जितने जोर से भगवान की जयकार देते हैं उसको उतना पाप नष्ट होता है, उतने भक्ति जागृत होती है। इसलिए जोर से बोलो बोले श्रीमद् भागवत ग्रंथ की। अभी पता चल रहा है कि जान आ गई। हरे कृष्ण। इसलिए कहते हैं ये पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कथा की महिमा है। तब हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अगर किसी ग्रंथ को महिमा समझना चाहते हैं उसको चार दृष्टिकोण से ग्रंथ की महिमा को समझनी चाहिए। पहला नंबर है कथा कौन कौन सुन सकता है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म की कोई पुण्य उदय हुआ है तभी यही कथा को कोई सुन सकता है।
अगर कोई बोले हम तो बड़े पापी हैं, जीवन में हमने कभी पुण्य कर्म की नहीं, फिर ये भागवत कथा क्या नहीं सुन सकते हैं। इसलिए कल हम लोग सुन रहे थे ये धुंधुकारी जैसे पापी। धुंधुकारी मतलब क्या है, बोले धूम धूम करोति इति धुंधुकारी, जो जीवन को मचला दे, दुखी दुखी कर दे। जिसने पिता को सताया, माता जी को सताया, छह छह वेश्या को पाला, बुरी तरह से उसको मार करके गड्ढे खोद करके गाड़ दिए, जिसको कहते 100 बार भी पिंड देने पर भी जिसको उधार नहीं हुई, उसको उधार कैसे हुई? भागवत कथा से। तात्पर्य यह है, हम जितने पापी से पापी होने पर भी कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल आओ और केवल ये भागवत ग्रंथ सुनो, केवल कथा को श्रवण करो। कथा श्रवण करते 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 अपने आप पुण्यात्मा बन जाएंगे और अपने आप हमें भगवत चरण की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए पहला नंबर। दूसरा नंबर है, अगर कोई बोले अरे सुने सुनाई कथा है, कितना बार सुने, साल में कितना बार कथा होती है, यहाँ पर टीवी में आती होगी, यहाँ भी साल में कितना बार कथा होता है, बोले भैया सुनी सुनाई कथा को कितना बार सुने, हम बहुत सुन चुके हैं, हमें कोई जरूरत नहीं सब कथा बता सुनने की। अगर कोई बोले तो उसके लिए उदाहरण देते हैं, कहते हम श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े ज्ञानी कोई नहीं हो सकते हैं। इतने बड़े सुखदेव गोस्वामी, कल सुन रहे थे ना ये सुखदेव गोस्वामी कौन है, बोलिए गोलोक वृंदावन में राधा रानी की निकुंज मंदिर में निवास करने वाले, राधा रानी जिनको अनार की दाना खिलाया करती थी, कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी, कभी कभी ये तोते को राधा रानी चुंबन भी करती थी, जिनकी अधरा मृत ये सुखदेव गोस्वामी की ठोंट में लगा हुआ है। कहती है राधा रानी की एक प्रिय सखी गोलोक वृंदावन की, ये कोई साधारण तोता ही है नहीं। और जो 16 साल तक मातृगर्भ में रहे और जन्म होते ही ब्रह्म ज्ञानी बन करके चले गए और संपूर्ण ब्रह्म में ये डूबे हुए थे, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी श्री सुखदेव गोस्वामी, लेकिन भागवत का इतने महिमा, भागवत की इतने महिमा। जब श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत का एक श्लोक को सुन लिया, कृष्ण कितने सुंदर हैं, इसलिए कहते हैं ना श्याम श्याम सुंदर बांके बिहारी की देख छटा मेरे मन है गयो, और जोर जोर मेरे मन है गयो लटा बटा। जो इतने सुंदर हैं, गोपियां कभी कभी कृष्ण को ताना मारती हैं, बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करुण की, अच्छा हुआ परमात्मा ने तेरे को लाली नहीं बनाया, हाँ तेरे को लाली नहीं बना करके तेरे को लाला बना दिया, तू इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो तुम, अगर तू लाली बनता ना पता नहीं विश्व ब्रह्मांड का जितने लोग तेरे को पाने के लिए आपस में लड़ मर जाते, इतने सुंदर तुम हो। इतने हमारे श्री बांके बिहारी कृष्ण रमण बिहारी इतने सुंदर हैं। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी केवल उन्होंने एक ही श्लोक उन्होंने सुन लिया, ये कृष्ण कितने सुंदर है, कहते एक श्लोक सुनते ही सुखदेव गोस्वामी तो पागल हो गए और उन्होंने ब्रह्म ध्यान ज्ञान को सब कुछ परित्याग किया और उन्होंने पूरी की पूरी भागवत की 18,000 श्लोक को उन्होंने श्रवण किया है। इतने भागवत कथा में इतने रस हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले राम कथा जय सुना ता अघाई, राम कथा जय सुना ता अघाई, कृष्ण कथा जय सुना
गोस्वामी जी कहते हैं अगर कोई बोलता है यार ये कथा सुनते सुनते हम तो बोर हो गए, सुनी सुनाई कथा को हम कितना सुनेंगे। अगर कोई कहता है, गोस्वामी जी कहते भैया उसका रस क्या चीज पता नहीं। इसलिए नारद जी कृष्ण से दो वर मांगे थे, कितना वर मांगे थे बोलो जोर से, क्या क्या बोलो। पहला नंबर वर है, बोले हे प्रभु अगर तुम्हारी जो कथा सुने है ना उसको कभी तृप्त नहीं होनी चाहिए, वो जितना सुने उसको लगे और सुननी चाहिए और सुननी चाहिए। इसलिए हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी कौन है, बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। कृष्ण कथा राम कथा के सबसे बड़े रसिया श्री हनुमंत लाल जी है। अगर करोड़ों जगह में कथा होना, हनुमान जी करोड़ रूप धारण करते हुए वहां जाते हैं। इसलिए पृथ्वी महाराज जी भगवान से वरदान मांगे, बोले प्रभु मेरे को 10,000 कान दे दो। कितना कान दे दो, बोले 10,000 लेकर के अगर को दो कान तो बढ़िया लग रहा है, अगर यहाँ दो कान शरीर में अगर कान ही कान हो जाए अच्छी लगेगी, बताओ अच्छी लगेगी क्या। कहते प्रभु मेरे को 10,000 कान दे दो। बोले तू 10,000 कान लेकर क्या करोगे, बोले प्रभु कान तो दो ही हो लेकिन ये दोनों कानों में कृष्ण कथा सुनने की इतने शक्ति मिल जाए, 10,000 कानों में जितने शक्ति। मतलब कथा सुनते रहे कथा को, सुनते रहे कथा को, ये कारण है। दूसरा कारण बताए, जैसे आज यहाँ भागवत कथा हो रही है, भैया और भी तो कई कथा होती होगी, बोले प्रभु कहीं की कथा जिसे चूक नहीं जाए, कहीं की कथा चूक नहीं जाए। इसलिए एक समय भगवान राम श्री हनुमान जी को बोले हनुमान थोड़ी सी कथा सुना कर, सत्संग में जाओ कथा सुनो। हनुमान जी कहते थे प्रभु कथा में क्या जाओ, कथा में क्या है, कोई तुम्हारी भजन करो हरिनाम करो कीर्तन करो यही तो कथा में ना। बोले हाँ मैं तो ऑलरेडी कर ही रहा हूँ। हनुमान जी दिन भर प्रभु की सेवा तो करते हैं, उनका नाम तो लेते हैं, पर कथा सुनने का क्या जरूरत। भगवान कहते हनुमान जी जब तू कथा सुनोगे ना, ये जो तुम सेवा भक्ति कर रहे हो उसमें चार चांद लग जाते हैं। अब देख लेना जो व्यक्ति कंटिन्यू मंदिर में आते हैं कथा सुनते हैं कीर्तन करते हैं, देखना उनकी गले में कंठी माला तिलक लगे हुए। और जो मंदिर में नहीं आते ना केवल माला लेकर घर में रह गए, दो दिन में माला लटकी रह जाती है, गला से कंठी उतर जाती है, तिलक कहीं मिट जाती है, भजन भजन से कुछ एक दिन खत्म। क्योंकि महाप्रभु ने बताया श्रवण कीर्तन जले करे सचन, एक जैसे गमला में कोई पौधा लगाया अगर पानी नहीं देते तब तक जिंदा रहेगा। घर में अगर झाड़ू बुहारी एक दिन नहीं लगे घर क्या हो जाता है, गंदा गंदा हो जाती है। इसलिए जो जितने कथा में रुचि जो जितना कथा सुनती है उसका भक्ति उतना ही पनपनाते हुए बढ़ती है। जो कथा नहीं सुनते है ना उनका भक्ति देखो माला फला कहीं अलग, भक्ति भक्ति अलग, भजन भजन से कोई मतलब नहीं। इसलिए भगवान राम कहते हनुमान जी जब तुम कथा सुनोगे ना तुम्हारी भक्ति में चार चांद लग जाएगी। एक दिन हनुमान जी ने सोचा प्रभु हर समय कहते कथा सुनो कथा सुनो, एक बार कथा में जाकर ही देखता हूँ। एक समय काक भुसुंडी कथा कर रहे थे, आप सुने होंगे, अक्षय वट के ऊपर बैठ करके नीलगिरि पर्वत में अक्षय पर्वत में काक भुसुंडी कथा कर रहे थे। एक दिन हनुमान जाकर चुपचाप बैठ गए, वो जो कथा हो रही थी क्या हो रही थी, जिस समय में भगवान श्री रावण ने माता सीता को उठा करके ले गया, हनुमान जी को इतना क्रोध आया एक छलांग लगाया लंका में पहुंच गया। देखा माता सीता जी अशोक वाटिका में बैठी करके बड़ी दुखी होकर रो रही है, हनुमान को ऐसे क्रोध आया। हनुमान जी कौन, स्वयं शंकर है,
शंकर ही प्रभु की सेवा के लिए ये हनुमान बन करके आए हैं। हनुमान जी तीसरा नेत्र को खोले, ऐसे अग्नि प्रकट हुई, उन्होंने लंका को जला करके राख कर दिया। ये कथा हो रही थी, लेकिन वहां पर था अल्लड़ी कौन बैठे हुए, हनुमान जी बैठे हुए। हनुमान जी बोल रहे, देखो खुद मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मेरे नाम पर कितने झूठी बात चल रही है। कहते एक छलांग लगाकर पहुंचा, रामायण देखे हो आप लोगों ने, कौन कौन रामायण देखे, एक छलांग में पहुंच गए थे, बीच में तीन बार परीक्षा हुई, परछाई पकड़ लिया किसने हैं, फिर वो राक्षसी आ गई, जाने नहीं दे रही थी, कितने संघर्ष करके जाना पड़ा, लंका में प्रवेश करना चाह रहा था, लंकिनी घुसने नहीं दिया, एक मुक्का मारकर छक्का छुड़ा दी हैं, छक्का छुड़ा दी, फिर अंदर में गए, रात भर ढूंढते रहे माता सीता को, कहीं नहीं मिला, फिर तुलसी की उन्होंने बाग देखी, उतरे देखा घर को सामने श्री राम का नाम लिखा हुआ, फिर विभीषण से साक्षात्कार हुई, विभीषण ने बताया माता सीता वहां पर है ना। फिर जब उन्होंने जाकर के माता सीता की मुद्रिका दे करके प्रमाणित की, फिर उन्होंने फल खाए, मेघनाथ बांध करके ले गया, पूछ में आग लगा, फिर लंका जलाए, कितने सारी कथा है कि नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे थे, लंका में पहुंच जल गया। कहते भैया इतने सारी बात वो कह रहे, छलांग लगा कर आग लगा दी। हनुमान जी मन में शंका हो गया, वापस आई कथा सुनकर के प्रभु राम ने पूछा, क्यों हनुमान जी कथा कैसे लगी, बोले प्रभु ऐसे कथा हमने सुनी जिंदगी में कभी सुनी नहीं, क्या प्यारी कथा। बोले हनुमान तो शंका हो गया, किसी झूठ बोल रहा है, भगवान राम तो सब जानते हैं, भगवान राम सब जानते, उसको शंका हो गई कथा में काक भूसुंड की। वो चीज को प्रमाणित करने के लिए भगवान राम अपना अंगुल से एक मुद्रिका निकाली, वो निकालते समय मुद्रिका नीचे गिरा, बोले हनुमान जी मुद्रिका को उठा करके मेरे को दे दो। हनुमान जी जब मुद्रिका को पकड़ने के लिए गए, वो मुद्रिका इतने तेजी भाग रहा था, हनुमान पकड़ नहीं पाए, क्योंकि हनुमान का अभिमान था, जितना तेज मैं भाग सकता हूँ दुनिया में और इतना तेज कोई भागने वाले नहीं। वो मुद्रिका को पीछे करते करते वो पर्वत को बुहार चला गया। हनुमान प्रवेश किया तो देखा एक वहां पर बंदर बैठा हुआ, एक बंदर बैठा हुआ। उसने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो, तेरा नाम क्या है, बोले मेरा नाम हनुमान है। बोले हनुमान इतनी कमजोर, हमारे हनुमान तो अंदर में बैठे हुए, विशाल काय हनुमान जी, इतने कमजोर। हनुमान तो सोच रहे थे मैं ही हनुमान हूं, मैं ही हनुमान हूं, लेकिन एक हनुमान नहीं है, हर तृतीया युग में राम एक बार आते हैं, फिर हनुमान जी अलग अलग आते हैं, ब्रह्मा एक भी नहीं है, शंकर भी एक नहीं है, ब्रह्मा भी एक नहीं, शंकर भी एक नहीं है, इंद्र भी एक नहीं है, अलग अलग इंद्र है, अलग अलग मन्नतर में अलग अलग इंद्र बनते हैं, शंकर भी एक नहीं है, ग्यारह रुद्र है, ग्यारह रुद्र है शंकर जी, हर समय एक ब्रह्मा भी नहीं है, हैं अलग अलग ब्रह्मा है। जब उसने बोले, भैया तू इतने कमजोर कैसे हो, हमारा हनुमान तो विशाल का है, हनुमान तो शंका में पड़ गया। बोले भैया आपका हनुमान जी को मैं दर्शन कर सकता हूँ, बोले पूछ करके आता हूँ। जब गए, बोले एक कमजोर एक हनुमान कहीं से आया है, परिचय देता है मैं हनुमान हूँ, बुला करके ले आओ, सब जानते, बोले ले आओ। जब अंदर में गए देखा विशाल का है हनुमान जी, और जिनकी रोम रोम से राम का नाम निकल रहा था, आंखों से आंसू बह रही थी, जिनको रोमांच हो रहा था, और बैठ करके बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन Thank you.
कीर्तन कर रहे थे। अरे जब छोटा हनुमान गया ना, वो बड़ा हनुमान खड़े होकर के स्वागत की बैठा है, बोले देख हनुमान अभी जो भगवान राम आए हैं, ये राम एक बार आए नहीं, हर ब्रह्मा का एक दिन में भगवान एक बार, कृष्ण एक बार, महाप्रभु एक बार आते हैं। ब्रह्मा का एक दिन में भगवान बहुत बार प्रभु राम आए। वो जो काक भुसुंडी जो कथा सुना रहे थे, काक भुसुंडी कौन है, कितने राम चले गए तभी से काक भुसुंडी है, कितने राम चले गए, कितना बार कृष्ण चले गए, वही काक भुसुंडी। जो काक भुसुंडी कथा सुना रहा था, मेरी कथा सुना रहे थे, उसी समय प्रभु राम मेरे को इतने शक्ति दिया था, मैं एक छलांग लगा करके लंका पहुंचा और उन्होंने क्रोधाग्नि से लंका को जला दिया। बोले हनुमान जी कभी भी काक भुसुंडी कथा को अनादर नहीं करनी चाहिए, अविश्वास नहीं करनी चाहिए। प्रभु कितना बार आए, बोले जाओ तू जो मुद्रिका लेने के लिए आए ना, देखो वहां से ले जाओ। जब वहां पर गए, एक सा बहुत सारी मुद्रिका है। बोले भैया कौन सा मुद्रिका प्रभु राम की, बोले इतने सारे मुद्रिका कहाँ से आए। बोले हनुमान जी जब जब किसी हनुमान को मन में शंका आती है ना, प्रभु राम उसको यहीं पर भेजते हैं और यहीं से शंका दूर होता है। हनुमान जी पहले तो सोच रहे थे मैं सब जानता हूँ, मेरे को ये कथा बता सुनने का कोई जरूरत नहीं। हनुमान जी ने देखा भैया मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तभी से हनुमान जी प्रतिज्ञा की है करोड़ों जगह में भी प्रभु राम की कथा होगा, आप लोग देख लेना, सबसे पहले श्री हनुमान का तस्वीर रखते हैं, सबसे पहले हनुमान जी आते हैं और ऐसे जाकर नहीं बैठ जाते हैं। कथा सुनने का नियम ये गए और बैठ गए, नहीं, नियम नहीं, जहां पर कथा हो वो कथा कोई साधारण स्थान नहीं। कते सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाच्युतादर कथा प्रसंग, जहां पर ये भागवत कथा हो, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है, पृथ्वी में कितना तीर्थ है, बोले 6 अरब। कितना है 1 अरब, कितना होता है 100 करोड़ है, और 6 अरब मतलब कितना हो गया 600 करोड़। जहां पर कथा होती है भागवत कहता है ये 600 करोड़ तीर्थ वहीं पर आकर बैठ जाते हैं। और जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनता है, अगर कोई 600 अरब तीर्थ, 6 अरब तीर्थ में कोई स्नान करना चाहते, संभव है, असंभव है। लेकिन जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनता है, वो बैठ बैठ करके क्या है 600 करोड़ तीर्थ में यहीं पर वो स्नान कर लेता है। इसलिए जहां कथा होती है ना, वहां ऐसे जाकर झट बैठ गए, नहीं, पहले कथा स्थान को प्रणाम करो, कथा श्रोताओं को प्रणाम करो, वक्ताओं को प्रणाम करो, और यहाँ तो ठाकुर रमण विहार तो है ही है, पहले तो इनको प्रणाम करो, फिर जाकर के कथा को एक मन से कथा को श्रवण करनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी सबसे पहले जाते हैं और सबसे लास्ट जब कथा विश्राम हो जाएगा, जब सबके सब चले जाएंगे, हनुमान जी स्थान को कथा श्रोता वक्ता को प्रणाम करके मेरे हनुमान जी जाते हैं, ठीक है ना।
इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर किसी ग्रंथ की महिमा समझना चाहते हो, पहला नंबर है कथा कौन सुन सकता है। कहते एक पापी से पापी भी कथा सुन सकता है और एक ज्ञानी से ज्ञानी भी कथाओं को सुन सकते हैं। मतलब कथा सुनने की सभी की अधिकार है, कथा कभी पुरानी नहीं होती। देखना अगर एक दिन रोटी नहीं मिले ना, हाय रोटी दिन भर रोटी का मुंह ही नहीं देगा। अरे भैया रोटी में अगर इतना स्वाद हो सकता है, भगवान कथा में स्वाद नहीं है, ठाकुर की कथा में स्वाद नहीं है क्या? हाँ, इसलिए दूसरा नंबर क्या है, बोले श्रीमद भागवत ग्रंथ में विषय वस्तु क्या है। कहते भैया इसमें कोई छोटे मोटे विषय वस्तु नहीं, बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्याम काची दुपासना ब्रजवधो वर्गिण जा कल्पिता। भागवत का जो विषय वस्तु बड़ी हाई फाई विषय वस्तु, कहते आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय, हमारी आराध्य देव कौन है? बोले श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। कौन है जोर से बोलो, अब हाथ को ऐसे करके मत, ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण तीन है। कहते एक है पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम, मतलब क्या, वही कृष्ण जब मथुरा में रहते हैं द्वारका में रहते हैं ये पूर्ण है। जब यही कृष्ण, ठीक से सुनो ध्यान देकर, यही कृष्ण जब मथुरा में रहते हैं ये पूर्णतर है, लेकिन वही कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं ये पूर्णतम है। इसलिए पूर्ण पूर्ण पूर्णतम मतलब क्या है, ये है। अच्छे तरह सुना ध्यान से, आप बोले भैया कृष्ण का आपने तीन कर दिया, बोले कृष्ण तीन नहीं लेकिन भाव तीन है। जब कृष्ण द्वारका में रहते हैं वो द्वारकाधीश रूप में पूजा पाते हैं, सबके सब आकर कृष्ण को प्रणाम करते हैं, हैं? वहां पर कोई बेटा बेटी कुछ नहीं, विश्व ब्रह्मांड का मालिक भगवान श्री कृष्ण सुंदर द्वारकाधीश भगवान की, उस समय में द्वारकाधीश राजा अधिराजा पद हैं। लेकिन वही कृष्ण जब मथुरा में आते हैं इनका ऐश्वर्य कम हो जाता है, माधुर्य ज्यादा हो जाता है। वहां पर आधा ऐश्वर्य आधा माधुर्य, मतलब वहां पर कृष्ण को भगवान भी मानते हैं, जैसे कृष्ण का बच्चे हैं, पिताजी गोद में चढ़ जाते हैं, हैं? और जितने पत्नियां हैं कृष्ण को प्रियतम मानते हैं, अपना प्रियतम मानकर पूजा करते हैं। वहां पर आधा ऐश्वर्य और आधा माधुर्य, लेकिन वही कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं उनको कोई भी भगवान नहीं मानते, कोई उनको भगवान नहीं मानते। सखा लोग कहते हैं कन्हैया तू किस चीज के बड़े हो, श्रीराम कहते कन्हैया बताओ तेरे कितना गैया है, बोले 9 लाख, बोले पिताजी का 11 लाख, तू बड़ा हुआ ना मैं बड़ा हुआ, और जब तेरे साथ में मैं कुश्ती लड़ता हूँ तेरे को पछाड़ देता हूँ कि नहीं। इसलिए कहते तू किस चीज के बड़ी बड़े हो, इसलिए तुम और मैं हम बराबर है, कोई बड़ा बड़ा कुछ यहाँ है नहीं है। और मैया जसोदा तो उखल में बांध देती है, कान मल देती है, बोले चोर चोटा अपवित्र पता नहीं क्या गाली देती रहती है। और जब गोपियों के पास में वही कृष्ण आते हैं उसी समय कृष्ण स्वयं उनके प्रेम में इतने वशीभूत हो जाते हैं, कहते हे गोपियां ब्रह्मा जैसे परमायु लेने पर भी तुम्हारी ऋणी को कभी अऋणी नहीं बन सकता हूँ, कभी ऋणी बन नहीं सकता हूँ। कृष्ण कहते हे राधे तू जो मान करती है ना, आप लोगों ने घर में मान किए होंगे ना, कभी तो मान करती होगी। कृष्ण कहते राधे जब तू मान करती हो मेरे को गिरिराज उठाने में इतने ताकत नहीं लगा, अघास रूप बकास रूप को पछाड़ने में इतने शक्ति नहीं लगा, कालियों को सिर के ऊपर में नथने में इतने ताकत नहीं लगती है, जब तू मान करती है ना तेरे को मान को मनाने के लिए मेरे को इतने कष्ट होता है। इसलिए हमारे आराध्य देव कौन है समझ गए कि नहीं, द्वारकाधीश नहीं मथुरेश नहीं, हमारे आराध्य देव कौन है, श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण चंद्र। इसलिए भागवत में यही चीज को दिखाया, आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय, बोले वो कहते रहते हैं कहाँ पर, बोले तद्धाम वृंदावनम, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए वो रहते हैं श्री वृंदावन धाम में रहते हैं कृष्ण, हैं? वो द्वारका मथुरा में नहीं रहते हैं। भैया इनकी भक्ति करनी कैसे चाहिए, बोले ब्रज वधु वर्गीण जा कल्पिता,
यद्यपि कृष्ण एक ही है वो पांच रस है, शांत दास्य सख्य वात्सल मधुर। मधुर रस में जो उपासना की है ये ब्रज की गोपियां ही की है, इसलिए हमको भगवान को किस भाव से भजन करनी चाहिए, कि ये गोपियों ने जैसे कृष्ण को भक्ति की, ये भक्ति सर्वोत्तम भक्ति यही भक्ति है। बोले श्री गोपी जन वल्लभ की, इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त उद्धव है। कृष्ण कहते हैं उद्धव तू मेरे जितने प्रिय है ना, इतना प्रिय मेरे बेटा ब्रह्मा भी नहीं। बोले बेटा की बात छोड़ दो, हरिहर एकात्मा शंकर भी नहीं। शंकर जी की बात छोड़ दो, कहते मेरे अर्धागिनी लक्ष्मी भी नहीं। बोले लक्ष्मी की बात छोड़ दो, मेरे अभिन्न स्वरूप बलदेव प्रभु नहीं। बोले बलदेव का बात छोड़ दो, मेरा आत्मा भी इतना प्रिय नहीं उद्धव, तू मेरे जितने प्रिय हो। इतने बड़े उद्धव जी कृष्ण के भक्त, लेकिन यही उद्धव जब ब्रज में जाते ही ब्रजवासियों को प्रेम, राधा जी की प्रेम देखती हैं, कहते ना उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल, और ज्ञान बजाए डुगडुगी बाजे प्रेम की, बाजे प्रेम की। कुछ आप लोग बोलते नहीं, मुझे आवाज नहीं है, ढोल बाजे प्रेम की। इसलिए जहां पर उद्धव जी जिन ब्रज गोपियों को प्रेम को देख करके लास्ट में कहते बंदे नंद ब्रज स्त्रीना पाद रेणु अभिस्नस, अगर राधा रानी की चरण की एक धूल अगर मेरे को मिल जाएगा तो मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए कहते हमारी हम कैसे भक्ति करनी चाहिए, मतलब ब्रज गोपियों ने जैसे भक्ति की हमें वैसे भक्ति करनी चाहिए। इसलिए भागवत का ये विषय वस्तु। तीसरी चीज है कहते भैया कथा कहाँ से सुननी चाहिए, तब यहाँ पर कहते कथा सब जगह से नहीं सुननी चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, चैतन्य भक्त तुम्हें नित्य कर संग तबे तो बुझे तुम्हें सिद्धांत तरंग। अगर सिद्धांत रूपी तरंग में प्रवेश करना चाहो तो क्या करो, वैष्णव से कथा सुनो। बोले वैष्णव भी चार वैष्णव है, श्री ब्रह्म रुद्र सनक चार वैष्णव संप्रदाय है। बोले कौन सा वैष्णव से कथा सुननी चाहिए, बोले जो श्री सच्चिदानंदन गौर हरि को भजन करने वाले। बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की। बोले जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुगत में भक्ति करते हैं, अगर ऐसे भक्तों का अनुगत में अगर कथा सुनोगे फिर तो ब्रज का प्रेम की सर्वोत्तमता तुम्हें पता चलेगा है। इसलिए वैष्णव से ही कथा सुननी चाहिए। इसलिए उदाहरण देकर समझाए समुद्र मंथन तो हुई हुए, लेकिन समुद्र मंथन जहर भी निकला, समुद्र मंथन से अमृत भी निकला। कभी ये भागवत से जहर भी निकलती, आप बोले भागवत से जहर भी निकलती है। हाँ बोले कैसे, आप भागवत का अंतिम श्लोक में देखोगे वहां पर बताए बोले कैबल्य ऐक्यम प्रयोजनम, बोले वस्तु तनिष्ठम कैबल्य ऐक्यम प्रयोजनम, एक ही श्लोक है। अगर इसी श्लोक को अगर कोई ज्ञानी जो भगवान को निराकार मानते हैं अगर वो लोग अगर भागवत कथा करे ना, बोले देखो भागवत क्या कहता है, क्या कहता है, एक बार तुम उसी ब्रह्म ज्योति में ही अपने आप को लीन कर दो, ब्रह्म ज्योति में जाकर के मिल जाओ, वही बोलेंगे। लेकिन जब किसी भक्त से सुनोगे बोले नहीं, बोले कैबल्य ऐक्यम मतलब है केवल एक भक्ति, बोले वो एक भक्ति क्या है, बोले श्री गोपियों ने जैसे कृष्ण को भक्ति की यही भक्ति ही भागवत का प्रतिपाद्य विषय। एक श्लोक है वो दो दो अर्थ हो रहा है, दो दो उसमें अर्थ हो रहा है। अगर भक्त से अगर कथा सुनेंगे तो हमें तो भगवान की भक्ति ब्रज प्रेम की प्राप्ति होगी, अगर अभक्त से अगर कथा सुनोगे तो फिर मुक्ति मार्ग में चले जाओगे, वो ज्योति में जाकर घुस जाओगे जाकर। इसलिए सुननी चाहिए हमें भक्तों की मुंह से। इसलिए कल कथा बोल रहे थे ना, जैसे दूध है, दूध पीने से शरीर में तुष्टि पुष्टि खुदा की वृद्धि होती है, लेकिन उसी दूध में अगर सांप मुंह लगा दे तो फिर क्या होगा, वो देखने के लिए तो लगेगा दूध है लेकिन पियोगे तो प्राण ही जाएगा।
इसलिए अगर ये कथा किसी ज्ञानी जोगी कर्मी से सुनोगे लगेगा जैसे कथा है, बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं, लेकिन ये भैया वो जहर मिला हुआ सांप के मुंह लगा हुआ है। अगर वो वैष्णव नहीं तो वो सांप के मुंह लगा हुआ है वो मृत्यु का कारण होगा। इसलिए कथा कहाँ से सुननी चाहिए? भक्तों से सुननी चाहिए, वैष्णव से ही कथा सुननी चाहिए। बोले चौथा नंबर बताए हमारे लक्ष्य क्या है। कहते हमारी जो लक्ष्य है ना, कृष्ण हमारी लक्ष्य नहीं, राम हमारी लक्ष्य नहीं। ये चीज को अच्छे से समझो, मैं कल पूछूंगा सबको। इसलिए लक्ष्य क्या है? बोले कृष्ण प्रेम ही हमारा जीवन का लक्ष्य। समझ गए? आप बोले भैया ये कौन सा अटपट सा बात बता रहे हो। बोले तुम्हारी कृष्ण लक्ष्य नहीं, कृष्ण प्रेम लक्ष्य। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कृष्ण प्रेम बिना मेरा दरिद्र जीवन। अगर जीवन में कृष्ण प्रेम अगर नहीं ना, तुम्हारी दरिद्र जीवन है। जगत में सबसे बड़ा धनी कौन है? जिसको पास में कृष्ण प्रेम रूपी धन हो, कहते जगत में वही सबसे बड़ा धनी है। बोले भैया हमारे समझ में नहीं आया। हम कहते कृष्ण, हम तो कहते हमारे कृष्ण ही हमारा प्रयोजन लक्ष्य है, आप कहते हो कृष्ण प्रेम ही लक्ष्य है। ये चीज को समझो। आप बताओ कंस ने कृष्ण को दर्शन किया था कि नहीं? अरे बोलो दर्शन किया था कि नहीं? लेकिन उसने क्या किया? कृष्ण को जिंदगी भर मारने के लिए कोशिश किया। जब भगवान कृष्ण रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं, जिन भगवान को दर्शन से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाए, लेकिन कंस कृष्ण किस रूप में दिखते? साक्षात्कार, ये साक्षात्कार। चारणों मुष्टि को कृष्ण को प्राप्त किया कि नहीं? चारणों मुष्टिक ने कृष्ण बलराम को जितने नजदीक के पाए है ना, और कोई भी इतने नजदीक से पाए नहीं। जब वो रंगशाला में युद्ध कर रहे थे, आप देखे होंगे छाती में छाती, बाहु में बाहु, जंघा में जंघा लगाकर युद्ध कर रहे हैं इतने नजदीक में, लेकिन सोच रहे हैं कि आप मौका मिले ना ऐसे पछाड़ मारू कृष्ण बलराम को पीस। शिशुपाल ने कृष्ण दर्शन किया, कृष्ण खड़े हुए सामने, 101 गाली निकला भगवान को। आप अगर दो चार गाली देखो ना, गाली मिलेगा नहीं, लेकिन कृष्ण को उन्होंने 101 गाली कृष्ण खड़े हुए। भैया कृष्ण को तो मिले, पर इंद्र परिवर्तन क्यों नहीं हुआ है? इसलिए भैया हमारी कृष्ण प्रयोजन नहीं है, हमारी क्या प्रयोजन है? प्रेम प्रयोजन है। अगर हृदय में कृष्ण प्रेम आएगा ना, हम आगे सुनेंगे ध्रुव जी ने जब भजन किया, ध्रुव ने भगवान को पास में नहीं गए, भगवान ध्रुव जी को पास में आए। कृष्ण गोपियां कृष्ण को पास में नहीं जाते थे, कृष्ण गोपियों को घर में आते थे, मक्खन चोरी करते थे। क्यों? इसलिए उदाहरण देते जैसे फूल खिल जाए ना, अब देखना ये फूल भौंरा को पास में नहीं जाता है, भौंरा फूल को पास में आता है। इसलिए हृदय में अगर हमारे कृष्ण भक्ति रूपी फूल खिल जाएगा ना, फिर तो आपको कृष्ण को पास में जाने का जरूरत नहीं। कहते श्री कृष्ण कर्षण चसा, प्रेम का एक गुण है वो बरात भगवान को आकर्षण करता है। कृष्ण स्वयं भक्तों का प्रेम मधु का आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं आते हैं। इसलिए हमारी कृष्ण प्रेम ही हमारी प्रयोजन है। इसलिए भागवत में ये चीज को अच्छे तरह से बताया है। इसलिए हम गत कल्य भागवत कथा श्रवण कर रहे थे, हम जो कथा सुन रहे थे पद्म पुराण की कथा सुन रहे थे, लेकिन ये भैया भजने वाले तो बढ़िया एक अच्छा कर, इसलिए उन्होंने आज हम सुनेंगे इसकी स्कंद पुराण में भी भागवत की कुछ महिमा की चर्चा की गई, उसके विषय में भी हम कथा सुनेंगे। अब लोग एक भजन सुन लो, हरे कृष्ण। हाँ देखो जितने हमारी भक्त लोग हैं ना, इधर सुना माताएं हरे कृष्णा। आप लोग एक एक नोटबुक लेकर के आना, क्या लेकर के आओगे? इधर कथा सुनो, साथ में एक एक नोटबुक लेकर के आना। मैंने जितने कथा सुनाऊंगा सबको नोट करना, ऐसे नहीं कथा सुने और पल्लू झाड़ कर यहाँ से चली गई। इसलिए महाप्रभु का जो इच्छा है, क्या महाप्रभु का आदेश है? बोले जिसको देखो उसको कृष्ण कथा कहो। क्या कहो? कृष्ण कथा कहो। इसलिए लेकिन आप जिसको देखते हैं ना, तेरे घर में कैसे चल रहा है, सास बहू की लड़ाई तो नहीं हो रही? तुम्हारे घर में आज क्या बनाया था, क्या कर रहे हो? नहीं, भगवान कहते मेरे भक्तों का लक्षण है मत कथा मदगता चिंता बोधयंते परस्परम
कथयन्ति च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते मेरे भक्तों का लक्षण ही अगर किसको देखते हैं ना, दुनियादारी बात नहीं करते हैं, हरि चर्चा करते हैं, हरि कथा बोलते हैं। इसलिए महाप्रभु का आदेश है, चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो भगवान की बार में समझाओ। इसलिए महाप्रभु का भविष्यवाणी है, एक दिन ऐसे आएगा शहर शहर में, गांव गांव में, घर घर में कृष्ण नाम गूंज उठेगा। सब लोग प्रसन्न होकर के बोले निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ये महाप्रभु का भविष्यवाणी है। किसने प्रभुपाद से बोले प्रभुपाद मैं चाहता हूँ हर शहर शहर में कि गौड़ीय मठ हो। प्रभुपाद कहते तुम कहते हो शहर शहर में, मैं तो सोचता हूँ हर गांव गांव में एक गौड़ीय मठ हो, गांव गांव में गौड़ीय मठ हो। प्रभुपाद कहते हैं गांव गांव में गौड़ीय मठ नहीं, मैं चाहता हूँ हर इंसान एक एक गौड़ीय मठ बन जाए। मठ कैसे बना, जो तिलक लगाए ना, ये हरि मंदिर है। जिनकी ललाट में तिलक है, गले में कंठी है, वही एक मंदिर है, वही एक मंदिर है। प्रभुपाद यही चाह। लेकिन ये कब होगा, जब खा पीकर सो जाएंगे? नहीं, जब हम प्रचार करेंगे, जब हम प्रचार करेंगे, जिसको देखो भगवान के बारे में बताओ, भगवान की भजन के बारे में बताओ। देखना जो व्यक्ति कथा प्रचार करते हैं ना, उनकी भक्ति जगी हुई है। जो भगवान की कथा प्रचार नहीं करते उनका भक्ति सोई पड़ी हुई, सोई पड़ी हुई, उनकी भक्ति सही भक्ति नहीं है। इसलिए जब आप कथा सुनाओगे, हरिनाम करो, भजन करो, कब सुनाओगे? जब खुद करोगे तब तो सुनाओगे ना। जब तुम किसी को बोल के भजन करो, अरे क्या होगा भाई, आप खुद तो भजन करें, खुद तो हरिनाम कर, अपने आप बाधा देगा। खुद हरिनाम कर, खुद भजन करो, ठीक है ना। इसलिए अच्छे तरह से सुना, ऐसे पल्लू झाड़ करके जाने वाले कथा मत सुना। इसलिए ऐसे कथा सुना जैसे सात दिन में इतनी ज्ञान हो, जैसे दूसरों को भी जाकर कथा सुना कर गाना। इसलिए गुरुदेव हर बार कहते थे जब परिक्रमा में आओ ना, दस दस लोगों को लेकर के आओ। गुरुदेव कहते थे दस दस लोगों को कब लेकर के आओगे, जब कथा सुनाओगे तब तो लाओगे ना, ठीक है। इसलिए सारी कथा को याद करना, याद करके सबको कथा सुनाओ और सबको कोशिश करो महाप्रभु की जो इच्छा दुनिया में पूरी हो, विश्व ब्रह्मांड में भगवान के नाम गूंज उठे, ठीक है। प्रभु जी भजन करो। Lali Piki Sori Nii
Thank you.
उसी समय मैया कुंती भी अपना शरीर त्याग देती है, शिक्षा देती है, तभी ये शरीर धारण करना सार्थकता है। अगर ये शरीर में भगवान की भजन हो,
अगर ये शरीर में भगवान के भजन नहीं हो, भागवत कहते हैं बोले जीवन सबो, वो व्यक्ति जिंदा रहने पर भी मरा हुआ है, वो जिंदा नहीं है। देखने के लिए तो श्वास लेता है, चलता फिरता है, लेकिन वो व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति है। इसलिए मैया कुंती ने अपना शरीर को त्याग दी। पांडवों ने देखा जब कृष्ण ही नहीं रहे, हमारा फिर क्या करेंगे। उन्होंने वृंदावन का राजा बज्रनाभ को बनाए और हस्तिनापुर का राजा श्री परीक्षित महाराज को बनाए, वो भी चले गए महापरिणाम। एक दिन परीक्षित महाराज वृंदावन आए बज्रनाभ से मिलने के लिए। बोले बज्रनाभ सब कुशल मंगल है ना, बोले आपका आशीर्वाद से सब ठीक ठाक है, लेकिन मन बड़ा उदास है। बोले क्यों? बोले देखो, राजा तभी शोभा देता है जब प्रजा लोग, क्योंकि भगवान जब आते हैं गोलोक वृंदावन से, वो भगवान पूरा धाम को लेकर के आते हैं। जब जाते हैं, आप लोग रामायण देखे होंगे, जब भगवान राम गए कैसे गए, पूरा अयोध्या वासियों को उन्होंने पूरा लेकर गए। अब देखे कि नहीं देखे रामायण, पूरा अयोध्या वासियों को। उसी तरह जब भगवान कृष्ण संसार से गए, वो अकेले नहीं, पूरा वृंदावन धाम को पूरा लेकर गए ठाकुर जी। ब्रज में कोई भी नहीं, ब्रज में सुन्नी पड़ी हुई। बोले भैया राजा तभी स्वभाव तो जब प्रजा है, वो तो है ही वृंदावन में। लेकिन परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं गए नहीं। कृष्ण खुद कहते हैं वृंदावनम परित्यजम पाद एकम न गच्छामि। बोले मैं तो वृंदावन छोड़कर एक कदम कहीं बाहर नहीं जाता हूँ, नित्य वृंदावन में रहता हूँ। लेकिन ये रहस्य को कौन जानता है? बोले सांडिल्य। बोले सांडिल्य कौन है? बोले श्री नंद बाबा का पुरोहित है। उनने सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले आप थोड़ी सी कृपा करके ये बज्रनाभ को समझाओ, ये कृष्ण लीला है क्या चीज, ये बड़े उदास है, सोच रहे वृंदावन में कोई है ही नहीं, आप वृंदावन की महिमा को समझाओ। तब श्री सांडिल्य ऋषि कहते हैं बोले गुणातीतम परम ब्रह्मम। कह देखो बज्रनाभ जी, ये जो वृंदावन धाम है, ये त्रिगुण से ये अतीत इस वृंदावन धाम है, ये त्रिगुण से पर ये वृंदावन धाम है। यद्यपि दिखता है वृंदावन धाम साधारण, गई वृंदावन देखोगे गली गली में सूर्या घूम रही है, आप बंदर तो चश्मा पहने करके जाओ चश्मा ही ले जाएंगे, पर्स भी ले जाते, फूटी फ्रूटी दो तब देंगे, नहीं तो नहीं देने वाले हैं। इसलिए फिर पंडा होगा, फिर उत्पात है वहां पर है। इसलिए साधारण रूप में वृंदावन को देखोगे ये उजड़ा हुआ है वृंदावन, लेकिन श्री सांडिल्य ऋषि कहते बोले गुणातीतम परम ब्रह्मम व्यापक ब्रज उच्यते। कहते जो वृंदावन धाम है ये व्यापक है, ये गुणातीत है, हैं ये गुणातीत ये वृंदावन धाम साधारण कोई, कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हो। इसलिए तब उन्होंने बताया देखो कृष्ण कहीं नहीं गए वृंदावन धाम से। आप लोग वृंदावन गए होंगे, वहां पर एक सेवा कुंज और एक निकुंज वन, दो वन में गए हैं ना, देखे होंगे। वहां पर शाम को फूल की सज्जा लगती है, लोटे में पानी रख लेते हैं, दांतून लड्डू रख लेते हैं। आप कभी मंगलारती में कभी सौभाग्य होगा तो जाना, देखना ऐसे लगेगा जैसे रात को कोई आए और फूल को सज्जा के ऊपर कोई लेट कर गए। अगर कोई जोर जबरदस्ती, आप देख लेना शाम का समय में कितने बंदर देखते दिन भर, आप देखना शाम होते ही बंदर को भगाने का जरूरत नहीं, देखना एक एक बंदर वहां से अपने आप निकलते जाते, अपने आप निकल जाते वहां से बंदर। अगर कोई जोर जबरदस्ती रुक जाए ना, ठाकुर क्या करते हैं देखना चाहता हूँ, वो मर जाएगा नहीं तो गुंगा बन जाएगा। जिनको कलयुग में विश्वास नहीं होता ना, भगवान भगवान कौन देखा, तो बेकार है। एक बार वृंदावन में जाओ और किसी वन में एक रात रुक कर लग जाओ, फिर तो तुमको पता चल जाएगा भगवान है क्या नहीं। मैंने स्वयं दो घटना देखा, एक व्यक्ति को देखा गुंगा हुआ पड़ा हुआ, एक को देखा मरा हुआ, मैंने अपना आंखों से देखा है। हल्ला हो गया बड़े दिन पहले, वो जोर जबरदस्ती सेवा कुंज में रुक गए थे और वहीं पर हमारे रूप सनातन मठ था। इसलिए कहते अभी भी ठाकुर जी वहां नित्य लीला करते हैं, ठाकुर जी कहीं भी नहीं गए, इतने प्रमाण हैं हमारे महाप्रभु का भक्तों में, तो इतने प्रमाण तुम सब जानते हो हैं। इसलिए श्री श्यामानंद प्रभु जब वृंदावन में आए, जीव गोस्वामी कहते जाओ
रोज जाकर के सेवा कुंज में झाड़ू लगाओ, अभी भी ठाकुर जी लीला करते हैं। रो रो करके राधा जी का नाम को लेकर के रोज झाड़ू लगाते थे, लौट पट खाते थे। राधा रानी दर्शन देने के लिए जान बुझ करके प्यार की नुपुर छोड़ कर गए, प्यार की नुपुर छोड़ कर गए। जब सवेरे आए देखा घना घोर जंगल में सोने की नुपुर चमचमा रही। उनने जीव गोस्वामी गुरु जी को दिखाया, गुरु तो साधारण थे नहीं, विलास मंजर जी। देख बेटा, राधा रानी तेरे को दर्शन देने के लिए बहाना बनाए, अगर कोई नुपुर लेने के लिए आए बोलना जिनका नुपुर खुद आ जाए। फिर जब गए ललिता विशाखा आए, बोले बाबा बाबा हमारी घर की बहू आई थी, कहीं प्यार के नुपुर घूम गई, मिला? बोले मिला है। बोले दे दो। बोले जिनका नुपुर वो खुद आ जाए। जीव गोस्वामी बोले तेरे को परीक्षा करेंगे, देना नहीं? बोलना अपना हाथों से पहनाऊंगा। बोले जो का नुपुर वो स्वयं आए परीक्षा किए। बोले बाबा तेरे को शर्म नहीं लगता है? तू संत हो, वो घर की बहू है, नई बहू है, और तू कहते हो अपना हाथों से चरण में नुपुर पहनना, वो शर्म नहीं लगता है? ज्यादा बोलोगे ना भैया को बुलाएंगे, धुलाई होगी। बोले जो कुछ हो जाए मैं तो अपना हाथों से नुपुर पहना करके छोड़ूंगा। राधा रानी स्वयं वहां पर आई। बोले ऐसे नहीं आऊंगा, पहले आंखों में काला पट्टी बांध दो। पट्टी बांध दी, राधा रानी खुद वहां पर आई, और इन्होंने अपना हाथों से श्री राधा रानी के चरण में नुपुर धारण कराए। और बोले हे राधे, जब आप इतने दूर तक कृपा की, मेरे को दर्शन भी दो। राधा रानी तो चाहती थी, फिर आंखों से जब काला पट्टी खोली ना, तब उन्होंने श्री राधा रानी को दर्शन की। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। राधा रानी स्वयं उनका नुपुर से उन्होंने तिलक धारण किया, हृदय से उन्होंने कृष्ण को निकाल कर दिया। वो जो ठाकुर वो राधा श्याम सुंदर है, ये महाप्रभु का बाद में लीला हुई है। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब टेढ़ कदम में भजन करते थे, इनको पास में से रूप गोस्वामी बड़े दिनों में आए, बड़ी हरी चर्चा हो रही थी आपस आपस में। अभी रूप गोस्वामी सोच रहे हैं बड़े भैया सनातन गोस्वामी बड़े दिनों से आए हैं, इनको खीर बहुत पसंद है। स्वयं राधा रानी आकर खीर, स्वयं दूध चावल देकर राधा रानी जाती है, लेकिन इनकी हरी चर्चा ही खत्म नहीं हो रही है। राधा रानी फिर घूम घाम करके आ गई। बोले बाबा आप कथा बोलो, मैं स्वयं बना देती हूँ। राधा रानी कंडा जलाई और फटाफट खीर बनाए। बोले बाबा ठाकुर को भोग ला कर खा लीजियो। बोले लाली कोई चिंता मत करो, बड़े देर से कथा खत्म हुई। बोले कोई लाली आई थी, बोल रही थी हमने खीर बनाया, देखा सचमुच से खीर बना करके रखी, और ठाकुर जी को भोग लगा करके जब सनातन गोस्वामी को दिया ना, जीवन में बहुत तो खीर खाए हैं, लेकिन जिस खीर को स्वयं राधा रानी बनाए। राधा रानी कौन है? ये अमृत हस्ता है, दुर्वासा का वरदान है। तुम्हारे हाथ में जो भोजन करेगा कभी दीर्घायु होगा, बीमारी नहीं पड़ेगा, शरीर सुस्त रहेगा, सबल रहेगा, और अमृत बनेगा। और राधा रानी बनाई, भोग किसको लगा? बोले ठाकुर जी को लगा। जय जय राधा। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए जब सनातन गोस्वामी खीर को खाए, वो हृदय गदगद हो गया, प्रेम से आंसू बहने लग गए। बोले रूप तुमने मन में कुछ सोचा था? बोले हाँ बड़े भैया, मैं ये सोच रहा था बड़े दिनों में आए हो, आपको खीर बहुत प्यारा है, मैं सोच रहा था अगर खीर होता तो आपको खिलाता। बोले रूप ये घना घोर जंगल, ऐसे 5.5 साल पहले घना घोर जंगल, कुछ नहीं, केवल 2-4 घर कहीं ऊपर में, उसमें कुछ भी नहीं था।
बोले बताओ तुम्हारी भावना को कौन समझ करके और यहाँ पर खीर बना करके जाएगी। और कोई नहीं थी, वो स्वयं श्री राधा रानी थी। वो राधा रानी थी, खीर को खा करके देखो कितने स्वाद है। बोले कहाँ श्री राधा जी की सेवा करनी चाहिए और राधा रानी हमारी सेवा करके जाती है। खबरदार कभी ऐसे सोचना नहीं है, कभी ऐसे सोचना नहीं। ये महापुरुष का समय की कथा है। आप लोग सनातन गोस्वामी की कथा जानते हो, जब वो मथुरा में जाते थे देखते थे ठाकुर जी स्वयं चौबन के बच्चे को साथ में खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे। ठाकुर जी गुल्ली डंडा खेलते थे, इसलिए यहाँ पर श्री सांडिल्य ऋषि कहते देखो अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में हैं, कृष्ण कहीं भी वृंदावन छोड़कर गए नहीं। प्रश्न है फिर हमें दर्शन क्यों नहीं मिलता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण को बताते हैं। बोले अत्रैव ब्रज भूमिजा जत्र तत्त्वं सुगोपितं भासते प्रेम पूर्णानां कजा कदाचित इति सर्वतः। बोले अभी भी कृष्ण हैं, लेकिन अभी हमारी दर्शन तभी होगा जब इन्हीं आंखों में कृष्ण प्रेम रूपी आंजन को लगाएंगे। लेकिन हमारे आंख में क्या है? काम क्रोध लोभ मोह रूपी आंजन लगा हुआ, इसलिए ठाकुर का दर्शन हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? बोले अगर तुम ब्रज धाम कृष्ण को दर्शन करना चाहते, एक उपाय है। बोले बताओ क्या करनी चाहिए? बोले धीरे 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 ये वृंदावन धाम धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। कृष्ण कहाँ पर बंसुरी बजाए, कहाँ पर उन्होंने रास क्रिया, कहाँ पर पुतना कुमारे, कहाँ मखन चोरी की, अभी धीरे धीरे लीला स्थली खत्म होते जा रही है। तुम ये लीला स्थलियों को प्रकट करो और एक काम करो, जो विग्रह है ठाकुर जी को स्थापन करो, फिर ठाकुर को कृपा मिलेगा। फिर उन्होंने सांडिल्य ऋषि परीक्षित को लेकर गए। अभी जो वृंदावन में कुछ कुछ लीला स्थान दर्शन कर रहे ना, ये यही महापुरुष का कृपा है। ये महापुरुष अगर नहीं होते है ना, कृष्ण कहाँ पर रास रचाए, कृष्ण कहाँ पर गैया चराए, कृष्ण कहाँ पर मखन चोरी की, पता नहीं चलता। और इन्होंने ये लीला स्थलियों को प्रकाशित किया, कहीं कुआ खुदवा दिया, कहीं सरोवर बना दी, कहीं विग्रह को स्थापन की। और उन्होंने जैसे कृष्ण लीला की थी ना, वो लीला के अनुरूप उन्होंने स्थान का नाम रखा। आपको एक दो कथा सुनाता हूँ। पहले एक स्थान का नाम है आज नव, गए हो कोई? आप सबको ले जाएंगे। आज नव का मतलब है, सुन लो, एक समय कृष्ण ने बंसरी बजाई, गोपियां राधा रानी को श्रृंगार कर रही, सब श्रृंगार हो चुका था, माताएं आंखों में काजल लगाती है ना, काजल लगाना बाकी था। इतने में कृष्ण ने मीठी मीठी बंसरी बजाई, अभी बंसी ध्वनि सुनते ही तो राधा रानी पागली निकल जाती है। बंसी ध्वनि सुनते ही राधा रानी दौड़ी, दौड़ दौड़ कर जब आई, इतने में श्याम सुंदर ने देखा राधा रानी के सारे श्रृंगार पूर्ण है, लेकिन आंखों में केवल काजल लगाना बाकी। एक पत्थर के ऊपर में राधा रानी को बैठा है, कृष्ण अपने हाथों से उन्हें काजल लगाई, काजल लगा करके जैसे हाथों में लगाए और अंगुल को एक पत्थर के ऊपर उन्होंने घिस दिया। आश्चर्य की बात है, अभी भी जाओगे ना वो पत्थर है, अगर वो पत्थर को रगड़ोगे ना काजल निकल। कौन कौन गए हाथ उठाओ तो अब देखिए जाए तो, हाँ जो जो गए है हाथ उठा रहे, हमको पूछ लो, अभी भी वो पत्थर के ऊपर में काजल निकलती है, आश्चर्य की बात है। इसलिए वो स्थान का नाम पड़े आज नव। एक स्थान का नाम जाबट। बोले जाबट क्यों नाम पड़ा? बोले एक समय वहां पर एक बटवृक्ष था, एक दिन कृष्ण उसके नीचे बंसी ध्वनि की तो सखियां सारे श्रृंगार कर चुकी थी, लेकिन प्यार में जो माताएं आलता लगाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, उतना बाकी रह गया। इतने में कृष्ण बंसी ध्वनि करते ही राधा रानी दौड़ दौड़ करके आई, कृष्ण ने देखा है, निकलता सारे श्रृंगार ठीक है, लेकिन प्यार में केवल महावर लगाना बाकी है। वो एक पेड़ है अभी भी ब्रज में, वो पेड़, वो पत्ते को रगड़ो ना, उसमें वो मेहंदी की जैसे ये होता है, आलता होता है, वो लाल लाल रंग निकलती है। कृष्ण उसी से राधा रानी के चरणों को उन्होंने आलता लगा दी और राधा जी के चरणों को उन्होंने हृदय में धारण की, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया जाबट। ब्रज में एक स्थान है जिसका नाम है छत्रवन। छत्रवन नाम क्यों पड़ा?
बोले जिस समय कृष्ण ने गिरिराज उठाए, बोले श्री गिरिराज महाराज की, जब उन्हें गिरिराज उठाया पूरा ब्रज में हला हो गया, क्योंकि 7 साल की बालक 7 क्रोश गिरिराज और 7 दिन तक धारण किए, इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन को, गोवर्धन गए आप सबके सब, इतने बड़े गिरिराज को इंद्र भी जिसकी चरण में आकर के माफी मांगे, पूरा ब्रज में हला हो गया, कृष्ण ने गिरिराज उठाया, इसलिए ब्रज का राजा कौन है, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, सारा ब्रज में हला हो रहा है, कृष्ण इतने बड़ी काम की। इतने में ये आवाज शब्द जब राधा रानी को कान में पड़ी, राधा रानी गई पौर्णमासी को पास में, बोले पौर्णमासी में क्या सुन रहे हो, बोले क्या सुन रहे हो, बड़ा सारा दुनिया में रमण बिहारी की जय जयकार हो रही है, कृष्ण को राजा घोषित कर रहे हैं, लेकिन इस सारा दुनिया मेरे को राधा रानी कहते हैं, वृंदावन में क्या कहते राधा, लेकिन आप कभी नहीं सुना होगा कृष्ण को राजा कहते हैं, कहते कोई नहीं, राधा रानी, बोले सारा दुनिया जानते मैं राधा रानी हूँ ब्रज की, वृंदावन में स्वरी मेरा नाम है, सारा दुनिया जानते हैं, लेकिन आज कृष्ण की इतने बड़े जय जयकार कैसे हो रहे, बोले पौर्णवासी बोले नहीं ये गलत है, ब्रज का राधा रानी तो श्री राधा रानी है, बोले आज कृष्ण को हम आक्रमण करेंगे। इतने में राई मतलब राधा रानी को सोने के सिंहासन में पर सखियां बैठा दिया, बैठा करके वहां पर किसने राधा रानी के सर के ऊपर छत्र धारण की, किसने चामर व्यंजन की, किसने उनको तांबूल दी, बोले जाओ कृष्ण के ऊपर आक्रमण करो, जितने सखियां थी ना सब कृष्ण के ऊपर में सज धज करके आक्रमण की, और इनको आक्रमण करते हुए फूलों की माला से कृष्ण को बंदी बनाया। भगवान को थोड़ी कोई बंदी बना सकते, प्रेम से बांध सकते हो हैं, भगवान को तो प्रेम से बांध सकते हो, फूलों की माला से बंदी बनाया, बंदी बना करके ले आए, ला करके राधा रानी के चरण में डाल दी। इतने में कृष्ण ने कहा ठीक है, आज से कृष्ण स्वयं अपना हाथों से श्री राधा रानी को उन्होंने पंचामृत अभिषेक की, और कृष्ण स्वयं इनके सर पर छत्र धारण की, कृष्ण स्वयं बोले आज से जो वृंदावन की रानी कौन है, श्री राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की, इसलिए वो स्थान का नाम है छत्रवन, क्योंकि कृष्ण स्वयं छत्र धारण किया था। एक स्थान का नाम है आज बिजवारी, बिजवारी नाम क्यों पड़ा, जब कृष्ण ब्रज छोड़ करके जा रहे थे, सारे ब्रजवासी इतने रो रहे थे, इतने रो रहे थे, मैया जसोदा गोपियां भले हे श्याम सुंदर तेरे बगैर हम प्राण कैसे धारण करेंगे, सब के सब रो रहे थे, कृष्ण समझा रहे थे कोई चिंता मत करो, आज जा रहा हूँ, कल कंस को उधार करके परसों आ जाऊंगा, इसलिए जहां पर कृष्ण बोलते परसों आ जाएंगे वो गांव का नाम सी परसों। ब्रज में जाओगे ना अभी भी 365 गाँव है, ऐसे नाम नहीं, हर गांव का जो नाम है कृष्ण जैसे लीला की लीला के अनुरूप हो गांव का नाम पड़ा हुआ है, इसलिए सी परसु उनने सबको तो मना दिया, अभी किशोर जी को कैसे मनाए। जब उन्हें थोड़ी दूर गए वहां पर देखा राधा रानी एक तो मेन रोड के ऊपर लेट हुई, और राधा रानी का रंग कैसे है, बोले तब तक कांचन गौरांगी, राधा रानी की शरीर सही से बिजली जैसे चमक रही थी, बिजली जैसे चमक रही थी राधा रानी, इसलिए वो स्थान का नाम है क्या है, अभी क्या नाम बताया, बिजवारी, बिजली जैसे चमक रही थी। फिर किसी तरह से राधा रानी को मनाई, बोले हे राधे तुमको तो छोड़कर कहीं मैं जा नहीं जा रहा हूँ, केवल आज जाकर कल सब उधार करके आ जाऊंगा, इसलिए एक स्थान का नाम कोसी, क्या नाम है जोर से बोलो, कोसी नाम क्यों पड़ा। एक समय कृष्ण चंद्र राधा रानी से मिलने के लिए आए, राधा रानी घर में है, कृष्ण दरवाजा खटखटाया, इतने में राधा रानी बोली कोसी, कोसी मतलब को असी तुम कौन हो, इतने में कृष्ण ने कहा मेरा नाम कृष्ण है, बोले कृष्ण, राधा रानी उसका दो अर्थ बना दिया, कहते एक तो कृष्ण है जैसे कृष्ण, एक काला साहब का नाम कृष्ण सर्प है, बोले काला साहब मेरे काट जाएगा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, कृष्ण राधा रानी सोच रहे थे कृष्ण को मैं ठगूंगी, ठगाऊंगी आज, कृष्ण तो ठग गए। थोड़ी देर बाद में फिर कृष्ण दरवाजा खटखटाए, राधा रानी बोले कोसी, बोले तुम कौन हो, कृष्ण बोले मेरा अनंत नाम, नया नाम लूंगा,
बोले मेरा नाम है चक्री। क्या नाम है? चक्री, जो सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। इतने में राधा रानी दूसरा अर्थ निकाल दिया। आप देखना जो हाड़ी कलसी बनाते ना मिट्टी का, वहां पर भी एक चक्र है, देखे कि नहीं, जिसको ऊपर में मिट्टी को रख करके पात्र बनाते हैं। बोले चक्री, हमारा घर में थोड़ी शादी ब्याह है, जहाँ पर शादी ब्याह वहीं पर जाओ, वहीं पर तुम हाड़ी कलसी बनाओ, हमारे यहाँ हाड़ी कलसी की कोई जरूरत नहीं। कृष्ण तो ठग गए, फिर दरवाजा खटखटाए। राधा रानी बोले कोसी, बोले तुम कौन हो? कृष्ण बोले कि नया नाम बोलूंगा। बोले मेरा नाम मधुसूदन। मधुसूदन मतलब क्या है? जैसे मधुमक्खी को मधुसूदन कहते हैं, क्योंकि हर फूलों से उन्होंने मधु को लेकर इकट्ठा करता है। बोले मेरा नाम मधुसूदन, जो भक्तों का प्रेम रूपी मधु का आस्वादन करते हैं। राधा रानी झट दूसरा अर्थ बना दिया, मधुसूदन मतलब मधुमक्खी मेरे को काट जाएगी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, भैया यहाँ पर जरूरत नहीं, जहाँ फूल वही पर जाओ तू। कृष्ण बोले तुम तो दरवाजा ही नहीं खोल रही है, वो दूसरे दूसरे अर्थ निकालती है। फिर बोले कोसी, बोले तुम कौन हो? कृष्ण बोले मेरा नाम घनश्याम है। कृष्ण का नाम घनश्याम क्योंकि काला में बादल जैसे भगवान कर रहे थे। बोले घनश्याम, हमारा थोड़ी कोई खेती पानी की जरूरत है, भैया जहाँ पर खेती वही चले जाओ, बारिश भर जाओ, यहाँ पर इधर की चीज हो जाएगी। किसी तरह से जितना कृष्ण नाम बोले ना, राधा रानी उतना नई नई मीनिंग निकाल दी। लास्ट में कृष्ण हार ही गए। बोले हे राधे, तेरी जीत है और मेरी हार है, अभी तो दरवाजा खोल दो। तब राधा रानी दरवाजा खोले, जहां पर राधा रानी से मिले उस स्थान का नाम क्या पड़ गया? कोसी। इसलिए आप लोग जब दिल्ली से वृंदावन जाओगे ना, रास्ता में लिखा हुआ ना कोसी आता है ना बीच में कोसी, इसलिए ये स्थान का नाम पड़ेगा कोसी। इसलिए ब्रज में बज्रनाभ नहीं, ये सारे लीला स्थलियों को उन्होंने प्रकाशित किया। और जितने ठाकुर देखते हो, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, जितने सारे ठाकुर अभी आप दर्शन करते हो, बांके बिहारी, जितने राधा वल्लभ जो ठाकुर दर्शन करते हो, ये बज्रनाभ का कृतित्व है। अगर ये बज्रनाभ नहीं होते तो हमको पता ही नहीं चलता प्रभु कहाँ आए, कब किया, किया नहीं किया। सारे लीला स्थली को उन्होंने प्रकाशित किया है, लीला स्थलीय को जो प्रकाशित किया है, फिर उनको भगवान की आशीर्वाद मिला। फिर इन्होंने एक समय कृष्ण की जो 16108 बटरानियां, ये सबके सब कृष्ण विरह में दुखी थे। एक दिन कालिंदी को देखा, कालिंदी मतलब यमुना है, देखा ये जो कालिंदी ये कलकल कलकल नाद से बड़ी प्रसन्न होकर के बह रही थी। महेश्वर ने पूछा, कालिंदी हम सबके सब कृष्ण विरह में दुखी, लेकिन तेरे अंदर में कोई दुख नहीं है? बोले देखो, राधा रानी की आशीर्वाद से मेरे को पता है कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं गए नहीं, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन में है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? बोले केवल श्री राधा रानी की कृपा से। जब तक श्री किशोर जी की कृपा नहीं होना, ये वृंदावन का महिमा को कोई समझ नहीं सकता। इसलिए कहते हैं वृंदावन को वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, और डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे होई। इसलिए वृंदावन में जाओ, किसके नाम सबके सब लेते हैं? अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो, वृंदावन में श्री किशोर जी का ही नाम सबके सब लेते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर वहां कुछ भी नहीं होता है। इसलिए राधा रानी की कृपा से ही, इसलिए राधा रानी भी छोड़कर कहीं नहीं गई। इसलिए गुरु जी कहते थे राधा जी की भी तीन स्वरूप है, एक संजोगिनी, एक वियोगिनी और एक वृषभानुनंदिनी। तीन स्वरूप है कृष्ण, जैसे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जैसे ब्रज छोड़कर गई नहीं, वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी भी वृंदावन छोड़ करके राधा भी कहीं नहीं गई। लेकिन जो संजोगिनी, जो वियोगिनी, वियोगिनी कौन है? जो उद्धव कियारी में जो बड़ी दुखी थी। संजोगिनी कौन है? जो द्वार जाकर गई थी सूर्य ग्रहण में, जो गई थी कहां पर गई थी? कुरुक्षेत्र में, जहां पर कृष्ण की कुरुक्षेत्र में मिलन हुई है। कहती ये संजोगिनी जो कृष्ण को साथ में मिली है, लेकिन जो वृषभानुनंदिनी राजा, वो कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं गई है। राधा रानी की कृपा से ही ये रहस्य पता चलेगा। तब महेश्वर ने बताया, अभी बताओ
अभी हम कृष्ण की अनुभूति कैसे कर सकते हैं, अभी कृष्ण ब्रज में है। बोले ये रहस्य को एक व्यक्ति को बताए। बोले कौन है? बोले उद्धव जी। बोले उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? बोले अभी भी उद्धव जी श्री गिरिराज तलहटी में घास बनकर के भजन कर रहे हैं। आप लोग गोवर्धन परिक्रमा लगाए ना, राधा कुंड से पहले किसकी कुंड है? उद्धव कुंड है। बोले वहीं पर ये घास बन करके तपस्या कर रहे हैं, उनकी कृपा से आपको पता चलेगा। बोले चलो हम सब के सब गिरिराज तलहटी में जाते हैं, उद्धव की आई उद्धव कुंड में आए। उद्धव कुंड में सब के सब महिषियों ने परिकृत महाराज वज्रनाभ ये सब के सब वहाँ पर आए। बोले वहीं पर उन लोगों ने बड़े सुंदर उन्होंने कीर्तन किया है। जब उन्होंने कीर्तन की, कीर्तन का प्रभाव से स्वयं श्री उद्धव जी वहां पर प्रकट हुए। बोले गोविंद जय जय गोपाल मोबाइल मोबाइल
I'm sorry.
अगर कोई कलयुग में ये भागवत कथा श्रवण करेगा, संख्यात श्रवण करना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं है। आपको पता चलता होगा कीर्तन में कथा में आनंद आ रहे कि नहीं, मन क्या लग रहा है, जैसे भगवान यहीं पर प्रकट हो गए। इसलिए बंगला में कहावत है, बोले हरि कथा है, बोले हरि कहाँ है, बोले हरि कथा है। हरि कथा है, जहाँ हरि कथा होते वहीं पर ही भगवान का निवास, ठाकुर जी वहीं पर रहते हैं। इसलिए बोले तेन अयंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तत हरि। इसलिए भगवान के आठ स्वरूप है, एक मिट्टी से बनता है, एक पत्थर से बनाते हैं, एक बनाते अष्ट धातु से, एक सोने की बनाते हैं, एक मनमयी है और एक जो चित्र में बनाते हैं। लेकिन कलयुग में ठाकुर जी किस रूप में आए हैं, ये सप्त ब्रह्म रूप में भगवान आए, ये भागवत रूप में ही भगवान आए हैं। इसलिए ये भागवत नहीं बल्कि ये साक्षात भगवान की ब्रह्म रूप में अक्षरात्म रूप में ठाकुर जी है। कलयुग में अगर कोई भागवत कथा सुने, कृष्ण दर्शन मिलेगा, तब ब्रज तब महेश स्वयं का उद्धव जी फिर तो कथा सुना दो, फिर तो हम कथा सुना दो। इसलिए उद्धव जी बोले देखो अभी मैं कथा सुनाता हूँ। तब उन्होंने उद्धव जी सर्वप्रथम ये कथा कहाँ पर हुई, बोले गिरिराज तलेटी में, जहाँ पर कुसुम सरोवर देखे होंगे वहाँ पर उद्धव कुंड, वहीं पर सर्वप्रथम उद्धव जी ये महेश योग कथा सुनाई। जब कथा विश्राम हो गई वहां पर साक्षात रूप में स्वयं रमण बिहारी जी राधा रानी को साथ में, अपना सखियों को साथ में, सखाओं को साथ में, स्वयं श्री ये ठाकुर जी साक्षात रूप में वहां पर प्रकट हो गए। साक्षात कृष्ण दर्शन दिए उन्होंने। जब कृष्ण दर्शन दिए वहां पर सबके सब महिषियों ने भगवान से मिल करके उनका हृदय एकदम ठंडा हो गया। अब देखना जब 7 दिन भागवत कथा होगी ना, हमको इतने आनंद आपको मिलेगा, इतने खुशियाली मिलेगी जो सोच भी नहीं सकते हो जब ये भागवत कथा हम श्रवण करेंगे हैं। इसलिए तब उद्धव जी कहते हैं मेरे गुरु जी मेरे को एक कथा सुनाए थे। बोले क्या सुनाए थे, उनका बृहस्पति ने कथा सुनाए थे। बोले जिस समय ये विश्व ब्रह्मांड सृष्टि हुई, ठाकुर जी ने 3 देवताओं को सृष्टि किया, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारा काम सृष्टि करना, शंकर जी को बोले तुम्हारे काम संहार करना, विष्णु को बोले पालन करना। अभी ब्रह्मा जी बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से सृष्टि तो कर सकता हूँ, लेकिन ये सृष्टि रजोगुण का काम है, फिर ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले 7 दिन तक अगर तुम भागवत कथा सुनोगे तुमको ये रजोगुण व्याप्त नहीं कर सकता, और ये भागवत की कथा के प्रभाव से तुम ये संसार को तुम सृष्टि कर सकते हो। इतने में भगवान विष्णु बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से दुनिया को मैं पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूंगा। बोले नारायण जी आप भी सुना और सुनाओ, देखो कथा की कितने महिमा। आप ये मत समझो हम ही कथा सुन रहे हैं, हम ही कथा नहीं, ऐसे नहीं। जिस समय चतुसन ने हरिद्वार में कथा की ना, कौन कौन कथा सुनने आए, बोले ब्रह्म लोग से सारे देवता लोग भी कथा सुनने के लिए आए, व्यास पराशरो जितने सारे ऋषि मुनि कथा सुनने आए, जितने सारे अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवध्या सुनने के लिए आए, जितने गंगा जमुना सरस्वती ये सुनने के लिए आए, जितने दंडकादि ऋषि लोग बना सुनने के लिए आए, जो नहीं आए ना अगस्त जी घर घर में गए। बोले तुमको पता है हरिद्वार में चतुसन कथा करने के लिए आए, चलो सब के सब भागवत कथा में चलो, विश्व ब्रह्मांड कथा सुनने के लिए आए। जब कथा प्रारंभ हो रही थी इतने में स्वर्ग से देवता लोग भी पुष्पों की बौछार की और उन्हें शंख नगड़ा बजाए, बजा करके भागवत की जयकार दिए थे। बोले श्रीमद भागवत कथा कोई जय जय हे बोल रहे हो, अभी भी सबका मुंह नहीं खोल रहा है, जोर से बोला श्रीमद भागवत कथा अमृतानंद भैया बढ़िया बढ़िया प्रसाद तैयारी हो रहे हैं, जय दो ठीक से। इसलिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये चीज को समझो, जब कहीं कथा होना देवता लोग भी स्वर्ग से प्रसन्न होकर के पुष्प की बौछार करते हैं। ये मत समझो हम ही कथा सुन रहे, नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी
सब बैठ कर कथा सुन रहे हैं, सारे पृथ्वी का तीर्थ भी आकर कथा सुनते हैं। यहाँ पर कथा के इतने महत्व हैं। इसलिए देखो जिस समय नारायण कथा सुनाते हैं, माँ लक्ष्मी बैठ कर कथा सुनती हैं। कितने दिन, हम तो सात दिन कथा सुनेंगे। जब नारायण कथा करते हैं ना, तब वो एक महीना में कथा को पूरी करते हैं, फिर माँ लक्ष्मी कथा सुनाती हैं। नारायण स्वयं बैठ कर कथा सुनते हैं, माँ लक्ष्मी कितने दिन में कथा को पूरी करती हैं? बोले 2 महीना। कितने? बोले नारायण जितने सुंदर कथा करते हैं ना, जब लक्ष्मी कथा करती हैं उनसे सुंदर कथा करती हैं, क्योंकि नारायण तो भगवान हैं। अभी मिश्री ने क्या स्वाद, मिश्री को थोड़ी पता है, जो मिश्री खाते हैं उनको पता है। कलयुग में कृष्ण क्यों महाप्रभु रूप में आए? इसलिए आए जब मेरे अंदर में ऐसे क्या आनंद है, राधा रानी मुझे भी दर्शन करती है, मैं भी राधा जी को दर्शन करती हूँ, लेकिन ये मुझे जितने आनंद मिलता है, राधा रानी को करोड़ गुण ज्यादा आनंद मिलता है, करोड़ गुण। इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा जी के भाव अंगकांति लेकर के श्री सचिनंदन श्री गौर हरि रूप में आए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। इसलिए अभी गए, अभी शंकर जी आए। बोले प्रभु ये जो संघार का काम सबसे बड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि संघार में ये तमोगुण का काम है, दुनिया को खत्म करना ये तमोगुण का काम है। आप बताओ ये तमोगुण से कैसे मुक्ति मिलेगी? भगवान बोले कथा सुना और कथा सुनाओ। जब शंकर जी कथा सुनाते हैं कितना दिन में? 1 साल। इतने सुंदर शंकर जी व्याख्या करते हैं, क्योंकि शंकर जी परम वैष्णव है। वैष्णव नाम जथा सब हो, कल सुन रहे थे ना ये अमर कथा, शंकर जी अमरनाथ में पार्वती को सुनाए। इसलिए वो 1 साल लगाती है कथा खत्म करने के लिए, विश्राम के लिए। फिर माता पार्वती कथा सुनाती है, शंकर भी कथा सुनते हैं। कितने दिन तक पार्वती करती है? बोले 2 साल। कितने? मतलब शंकर जी जितने सुंदर कथा सुनाते हैं, उससे सुंदर कथा सुनते हैं माँ पार्वती। देखो आप लोग भी पार्वती का अंश हो, ये मत समझे हम कथा नहीं सुना सकते। अब देख रहे हैं ना, नारायण से सुंदर लक्ष्मी कथा सुनाए, शंकर से सुंदर कौन सुनाए? पार्वती। इसलिए पार्वती का एक नाम वैष्णवी देवी। अब कभी वैष्णवी देवी को दर्शन के लिए जाना, देखना उनकी गला में तुलसी की कंठी। देखो माँ पार्वती स्वयं गले में तुलसी कंठी पहनी हुई है, इसलिए उनका नाम है वैष्णवी देवी, उनका नाम पड़ा है। इसलिए आप लोग भी कथा दे रहे थे, बस कथा सुनाओ, ठीक है ना। आप देखोगे अभी कितने सारी लड़कियां भी भागवत कथा करती है, हैं? कितने लड़कियां भी भागवत कथा करती है, लड़कों से ज्यादा लड़कियां कथा करती है। इसलिए आप लोग भी कथा सुनाओ शुरू करो, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी बताते हैं, कहते भैया श्रोता, कहते श्रोता 2 तरह के हैं। आज मैं सुनाऊंगा, कल सबको मैं पूछूंगा, जो बोलेगा इनाम दूंगा, जो नहीं बोलेगा ना खड़े कर दूंगा उसको। अभी ध्यान देकर सुनो, मैंने बोला था ना कापी पेन लेकर, कॉपी पेन लेकर गाना सब नोट करना, खाली हाथ में नहीं आने का, ठीक है। इसलिए श्रोता 2 तरह का है, कहते एक प्रबर और एक अबर, मतलब एक श्रेष्ठ श्रोता और एक घटिया श्रोता है, कनिष्ठ श्रोता। कहते जो श्रेष्ठ श्रोता 4 तरह के, कितने तरह के? पहला नंबर है हंस। अब हंस को अब दूध देना, देखना और दूध दूध तो पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देता है। श्रेष्ठ श्रोता कौन है? जो सार सार को तो अपना है और असार को तो त्याग दे। दूसरा नंबर है मधुमक्खी, एक होता है मक्खी और एक होता है मधुमक्खी। अब बताओ मक्खी कहाँ बैठेगा? गंदी चीज में, जैसे पूरा पूरा फूल बगीचा है, पूरा पूरा फूल बगीचा है, लेकिन ये कहीं एक छोटी जगह पर कोई गंदी चीज है। आप बताओ मक्खी कहां पर बैठेगा? देखना फूलों में नहीं बैठेगा, कहां पर बैठेगा? गंदी चीज में बैठेगा। और ये क्या होता है? मधुमक्खी। देखना चारों तरफ गंदी गंदी चीज, लेकिन बीच में एक फूल है। बताओ मधुमक्खी कहां बैठेगा? फूल के ऊपर बैठेगा। देखना कांटा वृक्ष में फूल क्यों नहीं हो, देखना वहां भी बैठ करके मधुमक्खी शहद को लेकर के एक सुंदर छत्ता बना देती है, और जिस मधु से ठाकुर जी की सेवा होता है। इसलिए हमें मक्खी नहीं बनना है, क्या बनना है? हमें मधुमक्खी बनना है, सार सार को ग्रहण करनी चाहिए। तीसरा नंबर है मछली।
आप मछली देखे होंगे, उसका जो आंखों का जो पलक है ना, पत्ता कभी गिरती नहीं, वो एकदम अपलक नयन में पूरा खुली हुई आंख रखती है। मतलब खीर समुद्र में जैसे मछली खीर समुद्र में वो केवल दूध दूध को ही पान करती है, कथा कैसे सुननी चाहिए, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके, आंख खोल करके, आंख बंद करके तो सो जाओगे फिर, इसलिए आंख खोल कर कथा सुनो, मतलब क्या टकटक लगा करके भागवत कथा की एक अक्षर भी चूक नहीं जाए है, इसलिए उसको कहते हैं मछली जैसे। चौथा नंबर है चातक, कहते एक चिड़िया है, ये किसी नदी का बात किसी तालाब का पानी ये कभी नहीं पिएगा, आप देखना वो हर समय बोलता है प्यासा हम प्यासा हम प्यासा हम, चिल्लाते रहता है, जब बारिश ही होना स्वाधीन नक्षत्र का पानी वो पीता है, है? कहते गंगा किनारा में कोई वृक्ष के ऊपर में एक चातक चिड़िया बैठा हुआ था, एक ने मारा उसको बाण, बाण मारते ही एकदम छाती को छेद गया, लेकिन वो गिरा गंगा पानी में, लेकिन गंगा पानी में तो गिरा, लेकिन गिरते ही मुख को झट बंद कर दिया, मुख को बंद कर दिया, जितने भी गंगा पानी है, लेकिन वो पिएगा तो कौन सा पानी को पिएगा, वो स्वाद ही नक्षत्र का पानी पिएगा। मतलब क्या है, मतलब है कथा सुनेंगे, किसकी कथा, ठाकुर जी की कथा सुनेंगे, ऐसे नहीं कोई बहू की चुगली कर रही है, सास की चुगली हो रही है, दुनिया की निंदा चर्चा हो रही, जाकर वही बैठ गए, नहीं तो भाई दुनियादारी की बात हो रहा है वहीं पर जाकर बैठ गए, नहीं भैया पिएगा तो केवल स्वाधीन नक्षत्र का पानी पिएंगे, मतलब क्या है, सुनेंगे तो केवल ठाकुर जी की कथा ही सुनेंगे, ठाकुर जी की कथा सुन करके कोई छोड़ कर कोई दुनियादारी कथा नहीं सुनेंगे, इसको कहती है चातक है, ठीक है ना, इसलिए ये चार तरह का घटिया श्रोता हो गए, याद रहेगा किसको किसको याद हो गया, बोलो तो पहला नंबर श्रोता क्या था, हाँ ताली बजाओ सब याद हो गया, और दूसरा नंबर क्या था, मछली, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, बाबा रे ताली बजाओ तुम लोगों को सब याद कर लिया अच्छे श्रोता, इसलिए कहते चार तरह का ना घटिया श्रोता है। पहला नंबर है गुरु, ये पक्षी रहता है हिमालय पर्वत गोबर में, इसका एक स्वभाव है, ये पक्षी को आप जैसे सुना हो ना वो सुन भी लेगा, वो सुना भी देगा, लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर नहीं उतारेगा, वो करते समय वो पूरा के पूरा उल्टा करेगा, सुनेगा सुनाएगा लेकिन ये करेगा जीवन में उल्टा करेगा, इसको कहते भुरुण। एक समय कोई एक ब्राह्मण था, मंदिर में रोज कथा करे, जो ब्राह्मणी थी बोले मैंने सुना है आप बड़े सुंदर कथा करते हो, एक बार हमें भी साथ में ले चलो, बोले तू ब्राह्मणी लेकर जाकर क्या करोगे, तू पंडित यानी घर में रहो, रोसोई बना, तेरे को जाने का जरूरत नहीं। एक दिन एकादशी की तिथि आ गई, बोले आज का दिन तो ले चलो, क्योंकि आज एकादशी है, ठाकुर का विशेष तिथि, हमने सुना, अरे मैंने सुना आप बड़ी सुंदर कथा सुनाते हो, आज तो हमें ले ही चलो, एकदम पीछे पड़ गए, बोले ठीक है चलो कथा सुनने के लिए। तो ब्राह्मण ने बड़ी सुंदर एकादशी कथा सुनाई, बोले देखो ये जो एकादशी तिथि है ये भक्ति की माँ है, और ये भागवत में देखना कोई व्रत का नाम नहीं है, केवल भागवत में एकादशी की कथा आती है, इसलिए ये एकादशी को बताया, ये कल्पतरु व्रत, हाँ कल एकादशी है ना, कौन कौन एकादशी करते हो यहाँ पर, तो सब भक्त लोग हैं, जो नहीं करते हो ना कल जरूर एकादशी व्रत रखे, ठीक है ना, एकादशी की कथा सुन लो, मैं तो सोच रहा था लास्ट में सुनाऊंगा, क्योंकि लास्ट में सबके सब भक्त लोग आ जाएंगे, तब उन्होंने एकादशी को तब लास्ट में सुना दूंगा, ठीक है, उन्होंने एकादशी की उन्होंने बहुत महिमा उन्होंने बताई, बोले भैया हमें पता ही नहीं था एकादशी की इतने महिमा, जरूर एकादशी करनी चाहिए, बोले देखो एकादशी का दिन अन्न में गो हत्या नर हत्या भ्रूण हत्या पिता माता हत्या जितने सारे पाप एकादशी दिन अन्न में रहते हैं, इसलिए एकादशी का दिन कभी भी अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए, दूसरों को देनी भी नहीं चाहिए, दोनों भी पाप है, वो सारे पाप रहता है, और एकादशी व्रत करके जो कुछ मांगो समस्त इच्छा एकादशी से पूरी हो जाती है। पत्नी ने बोला इतने सुंदर पंडित जी कथा सुनाते हैं मेरे को पता ही नहीं था, तब तो पंडित यानी कथा समाप्त हो गई, आ गई आकर उन्होंने फलाहार बनाया, पंडित जब कथा करके आए तो उनको सामने फलाहार रख दिया, पंडित जी कहते अरे वो पूरी कहाँ है, आलू की सब्जी हलवा कहाँ है,
बोले क्यों आप भी तो कथा सुनाए अर्ण में कि जितने गोहत्या नरहत्या ब्रह्महत्या सारे पाप अर्ण में रहते हैं, जो एकादशी का दिन अर्ण भोजन करते सारे पाप लगता, आप तो खुद बता रहे थे। बोले इसलिए तो तेरे को मैं नहीं ले जाता हूँ, इतना दिन से कथा करता हूँ, मैं खुद एक अक्षर लेकर के आया नहीं, तू एक दिन ही कथा सुनने के लिए गई तो घर के घर में सबके सब ले आई। हाँ घर में सबके सब ले आई। हाँ यहाँ पर कहते हैं पहला नंबर गुरु की घटिया सुनता है, जो सुनेंगे सुनाएंगे भी है लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर को जो उतारेंगे नहीं। दूसरा नंबर है ऊट। अब ऊट देखे होंगे, ऊट को कोई कोमल कोमल आम की पत्ता सुंदर सुंदर कोई पत्ता दे रहा वो नहीं खाएगा, वो धुंधे का बबलू का पेड़ कहाँ पर, कांटा के वृक्ष कहाँ पर। मतलब क्या है, जो भगवान की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कथा में उसको रुचि नहीं होगा, रुचि कहाँ पर होगा, जहां पर उल्टा पुल्टा दुनियादारी बात हो ना देना वहीं पर घट घट कर बैठेगी। लेकिन जहां पर ठाकुर की कथा हो जिसमें आनंद मिलता है, मन को शांति मिलती है कथा से, इसलिए गोपिया कल बोल रही थी ना श्रव क्या श्रवण मंगलम, जो कथा सुनने से मंगल मंगल होता है और कथा सुनने से सारे पाप दूर हो जाता है, दुख कष्ट दूर हो जाता है, कथा में अमृत प्राप्त होता है, कथा सुनने से जीवन में समस्त जस को प्राप्त होता है। कितने कथा की महिमा गोपियां राधा रानी बोल रही थी, लेकिन देखना भगवत कथा में उनकी रुचि नहीं होगी, रुचि होती जब चुगली हो वहीं पर उनकी रुचि है। इसलिए कहते वो कांटा, जैसे ऊंट को कांटा अच्छी लगती है, वो संसार का बात किया है, दुख ही दुख है, एक जगह पर बैठ करके दुनिया की बात करो, ऊपर से बोलो कैसे ठीक ठाक बैठ जाओ घर में, कहीं एक जगह पर दो चार व्यक्ति बैठ जाओ, तुम्हारी घर में क्या हो रही है, तुम्हारी घर में क्या हो रही है, तुम्हारी घर में देखना कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई पैसा से दुखी, दुखी दुखी दुनिया, दुखी दुखी दुनिया है। इसलिए जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है वो कहते वो ऊंट है। तीसरा नंबर है कहते ये भेड़िया, एक छोटा जाति का एक बाघ है, कहते ये कभी हिरण को ये पकड़ नहीं पाता है, वो हिरण को कब पकड़ेगा, जब हिरण कोई सुलील शब्द सुनता है एकदम कान खड़े कर देता है, एकदम मुग्ध होकर उसमें ही रम जाता है, और उसी समय में ही ये भेड़िया उसको पर आक्रमण करेगा। इसका मतलब है ऐसे कुछ श्रोता लोग है खुद कथा नहीं सुनेंगे, लेकिन जो पास में जो बैठने वाले व्यक्ति को भी कथा सुनने नहीं देंगे, बिना कारण के बात करके तेरे घर में क्या हो रही है, तू सुना है उसको घर में क्या हो रहा है, कथा सुनेंगे नहीं और पास में बैठने वाले व्यक्ति को कथा सुनने नहीं देंगे, कहते वो भेड़िया। चौथा नंबर है बैल बड़द। आप तेरे ना गैया को आप कोई कोमल कोमल सुंदर सुंदर पत्ता दो, नहीं तो कोई फल दो, आप देखना उसमें कोई फर्क नहीं मानता है, दोनों को जो बराबर मानता है, मतलब भगवान की चर्चा हो नहीं तो दुनियादारी की चर्चा हो, दोनों को जो बराबर मानता है, कहते ये बैल है। ये चार तरह का घटिया श्रोता है। बोले भागवत कथा चार तरह के हैं, कितने तरह के हैं, अरे जोर से बोलो, कल सब सुनेंगे आपसे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार। पहला नंबर राजसी, तामसी, सात्विक और देवगुण। पहला नंबर है तामसी। बोले तामसी की कथा किसको कहते हैं, जैसे सात दिन तक कथा हो रही है, किसी तरह से सात दिन बिता देना, किसी तरह से बैठेंगे मन नहीं लगे एक चक्कर घूम कर आ जाएंगे फिर बैठेंगे, नहीं तो कथा को लास्ट में आएंगे नहीं तो बीच में आएंगे, हैं, इसलिए किसी तरह से सात दिन जो बिताते हैं, कहते ये तामसी कथा है। अब अक्सर करके देखे ना जो लोग कथा करवाते हैं ना परिवार को निमंत्रण देते हैं कथा सुनने के लिए, आप जानते हो कब आएंगे, लास्ट का दिन किसी तरह से आएंगे, लास्ट दिन आएंगे किसी तरह से, क्यों अगर नहीं जाएंगे तो मन खराब होगा, हैं, बोले कि बुलाया इन्होंने आए ही नहीं, हैं, इसलिए कहते ये सब तामसी कथा है। दूसरा नंबर है राजसी। राजसी कथा जिसको कहते हैं, जैसे कथा सारा दुनिया को निमंत्रण दिया कथा हुई कथा सुनने आओ, लेकिन खुद कथा में नहीं बैठेंगे, खुद कथा नहीं सुनेंगे, इसको कहते हैं राजसी कथा है। बोले सात्विक की कथा किसको कहते हैं, जैसे एक महीना कथा सुने, दो महीना, तीन महीना सुने, उसको बाद में फिर कथा से कोई मतलब नहीं, कहते ये सात्विक कथा है। लेकिन जो सही कथा है ना निर्गुण कथा है,
बोले निर्गुण कथा किसको कहते हैं, बोले सदा सत्यम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रिणा हरिश्चितंग समाश्रय। पर जिसने अपना जीवन को ही भागवत बना दे, जिसने अपना जीवन को ही भागवत बना दे, रोज नियम करके कहते श्लोकार्ध में बचो, अगर भागवत का एक श्लोक हो, एक श्लोक नहीं हो, आधी नहीं हो, एक चौथाई श्लोक अगर किसी घर में पठन पाठन होना, भागवत कहता है वो जो घर नहीं वो घर साक्षात भगवान की धाम, वो घर साक्षात श्री वृंदावन धाम बन जाता है वो घर, जिस घर में आधी से आधी श्लोक की कथा हो, कितने महिमा ये भागवत कथा की। इसलिए जिसने अपना जीवन को ही भागवत में बना दे, नियम करके एक अध्याय हो, नहीं तो थोड़ी सी हो, गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, रोज जो अपना घर में अध्ययन करते हैं, अपना जीवन को भागवत में बना दो। देखो एक बात अच्छे तरह से सुनो, ध्यान दे करके सुनने की बात है। एक दिन हमारे जो बड़े गुरु जी थे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, किसने आकर के बोला गुरुदेव बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बच्चे क्या नहीं सुनते हैं, घर घर की कहानी, बच्चे बात नहीं सुनते हैं। देखो गुरु जी ने क्या बोले, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बोले नहीं, बोले बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया, बोले नहीं, बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएगा उसका तो यही दुर्दशा है। कहां पर बताया गया पिता माता की सेवा करनी चाहिए, रामायण कहता है प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता, भगवान सबसे पहले उठकर किसकी चरण छूते थे, किसका चरण छूते थे, माता पिता की। रामायण देखे होंगे जब दशरथ महाराज सैनिक किए होंगे, भगवान स्वयं जाकर के पिताजी की चरण सेवा कर रहे थे कि नहीं, अब रामायण देखे होंगे चरण सेवा कर रहे थे। लेकिन जब बच्चे रामायण देखेंगे रामायण पढ़ेंगे तभी तो संस्कार पड़ेगा ना, नहीं सवेरे उठकर क्या करो, सबसे पहले पिता माता की चरण छो, पिता माता की चरण की सेवा करो, तभी तो संस्कार पड़ेगा ना। अगर रामायण नहीं पढ़ेगा तो संस्कार कहां से पड़ेगी, गुरुदेव कहते थे हैं। लेकिन बच्चों को तो रामायण पढ़ते नहीं पढ़ाते नहीं, लेकिन बच्चों को क्या दिला देते, स्मार्टफोन, बेटा ले स्मार्टफोन ले, 10-20 हजार रुपया का स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं, दिन भर पबजी देखते रहे और उल्टा पुल्टा चीज देखते रहो, कार्टून देखते रहो। इसलिए गुरु जी कहते थे भैया आप बताओ भगवान राम ने कितने साल के लिए वनवास गए थे, कितना साल के लिए गए थे, 14 साल के लिए गए थे ना भगवान राम, क्यों गए थे, पिताजी के आदेश को पालन करने के लिए गए थे ना, गए थे ना भगवान 14 साल के लिए। अगर अभी हम अपना बेटे को बोले 14 दिन के लिए तू पिता माता की सेवा के लिए कहीं जा, बताओ तुम्हारा बेटा जाएगा कि नहीं, बोलो बेटा जाएगा कि नहीं, वो 14 दिन के लिए हनीमून बनाने जा सकता है, लेकिन पिताजी की सेवा, ये गुरु जी कहते थे, लेकिन पिताजी की सेवा के लिए नहीं जाएगा। गुरु जी कहते थे क्यों, कारण है खुद भी रामायण तू पढ़ा नहीं, बच्चों को रामायण तुमने नहीं पढ़ाया, गुरु जी कहते थे इसीलिए तुम्हारी इतनी दुर्दशा है। इसलिए भगवान जिस राज्य में रहते थे उसका नाम क्या, अयोध्या, क्या नाम है, अयोध्या मतलब क्या, जहां कर युद्ध नहीं होता है, अवध, अवध मतलब क्या, जहां पर कोई वध नहीं होता है, कोई मरते नहीं, इसलिए वो देश का नाम ऐसे है। इसलिए गुरु जी कहते थे भैया अगर घर को अयोध्या बनाना चाहते हो क्या करो, रामायण पढ़ो, बच्चों को रामायण पढ़ाओ, पढ़ाओगे ना तभी तो संस्कार बनेगा ना। लेकिन अभी ऐसे घोर कलयुग आ गया, देखना ये धर्म फर्म प्रति बच्चों को कोई रुचि नहीं रह गया, कोई रुचि नहीं गई धर्म का प्रति इनकी। गुरु जी कहते थे कारण यही है, पहले तो पिता माता को भजन करना पड़ेगा, पिता माता के संस्कार बच्चे को ऊपर आएगा, सबसे पहला गुरु माँ है, सबसे ज्यादा समय किसको गोद में बीतती है, माँ की गोद में। अगर माँ अगर बचपन से भजन करेगी भक्ति करेगी तभी तो बच्चा करेगा ना, नहीं तो बच्चा क्यों करेगा, करेगा नहीं। इसलिए क्या करो अगर घर को अयोध्या बनाना चाहते हो, क्या करो रामायण पढ़ो और बच्चों को रामायण पढ़ाओ, ठीक है। इसलिए कहते भैया सदा सभ्यम सदा सभ्यम। देखो हमारे हिंदुओं का कितना दुर्गति, देखो ये चीज को समझो, मैंने गया था जयपुर में कथा करने के लिए, मैं जब कथा करके आ रहा था ना, देखा 10 साल का एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था,
मैंने कहा बेटा तेरा नाम क्या है? वो कहे नाम बताया, इससे पता चला ये मुसलमान है। मैंने पूछा ये बच्चा ये बताओ तेरे को कुरान आती है? वो बच्चा छाती फुला करके बोले हाँ मेरे को कुरान आती है। बोले बोलो, वो झटाझट कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा बेटा ये बताओ कितने उम्र से तुम्हारी धर्म में कुरान पढ़ाई जाती है? बोले मुसलमान धर्म में कंपलसरी 2 साल उम्र में कुरान पढ़ना पड़ेगा। अब तो यह दिल्ली गए हो, देखना शुक्रवार का दिन बच्चों को टोपी पहना करके मेन रोड को जाम कर देते, कर देते कि नहीं? इसलिए मुसलमान जाति एकट है, लेकिन हिंदू लोग एकट क्यों नहीं है? बचपन से, अभी मैं गया था कथा करने के लिए जम्मू, जहां पर कथा कर रहा था उसके बाद में एक मस्जिद था, सवेरे 5 होते ही 5 वहां माइक लगा हुआ था, 5 बजते बच्चों का कोलाहल सुनना शुरू हो जाता था, क्योंकि अपना बच्चों को लाते थे मस्जिद में और वहीं पर कुरान पढ़ाया करते थे। बच्चे कुरान पढ़ते थे वहीं पर बैठ करके, और वो माइक में शब्द सुनकर हम पता चलता था 5 बज गया है, सवेरे 5 बज गया। मतलब वो धर्म का प्रति इतने अटूट विश्वास है। आप देखना एक चीज को ध्यान दे करके, कोई भी मुसलमान अपना धर्म का प्रति कभी अंगुल उठाया? एक व्यक्ति को मेरे को दिखा सकते हो? कोई दिखा सकते है एक मुसलमान, एक क्रिश्चियन ने कभी अपना अंगुल को धर्म का प्रति अंगुल उठाया? जितने नालायक ये हिंदू है, जितने नालायक, देखना अपना धर्म का प्रति अविश्वास, धर्म को प्रति अंगुल उठाना। भगवान को कौन देखा है? भगवान कौन बोलता है? हिंदू बोलता है। अब एक मुसलमान को आप दिखा नहीं सकते, कोई मुसलमान कभी अपना धर्म के ऊपर अंगुल उठाया होगा? कोई दिखा सकता है? एक को किसने अंगुल दिखाने वाले हैं? हिंदू। क्यों? बचपन से इनको ऊपर कोई संस्कार नहीं डालते, मोबाइल दे देके पढ़ ले हैं, लेकिन उसको एटीएम कार्ड बना देते हैं, इतने पढ़ाई करा देते हैं, बड़े होने पर पिता माता की सेवा नहीं करता है। इतने पढ़ गया, ज्यादा पढ़ गया, बोले तू मूर्ख हो, तू क्या जानती हो, ऐसे पिता माता को बोलते, ज्यादा पढ़ा लिखा कर दिया ना। इसलिए भैया पढ़ा लिखा अच्छी बात है, लेकिन उसको साथ साथ में थोड़ा संस्कार भी तो डालो। सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुओ, सुन कैसे रामायण पढ़ेगा तब तो करेगा ना। हम उसमें रामायण नहीं पढ़ाते, भागवत नहीं पढ़ाते, बच्चे को अगर में संस्कार नहीं डालते, इसलिए क्या करो? इसलिए कहते भैया भागवत वही निर्गुण है जो जिसने अपना जीवन को रामायण में बना दो, जीवन को भागवत में बना दो, और जीवन को अपना गीता में बना दो। हम तो अभी बड़े भाग्यवान है, हमारे राज्य में मोदी जैसे राजा आ गया, ये मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया। अगर नहीं बनता ना, जैसे एक एक देश से हिंदुओं को खदेड़ रहे, एक एक करके बंगाल देश में खदेड़ दिया और पाकिस्तान से खदेड़ दिया, हाँ, और बहुत सारे देश में हिंदू थे, धीरे धीरे खदेड़ते खदेड़ते केवल भारत रह गया। अगर अभी भी धर्म का प्रति चेतावनी नहीं रहोगे ना, यहाँ से भी आपको खदेड़ दिया जाएगा, रह नहीं सकते यहाँ पर आप, खदेड़ देंगे यहाँ से। इसलिए अगर हम चाहते हैं अपना धर्म का प्रति चेतावनी रहे, तो खुद बच्चों के ऊपर संस्कार डालो, बच्चों को भी संस्कार डालो। केवल धर्म ही ऐसे के वस्तु है जो सबको एकत्रित करके रख सकता है। इसलिए यहाँ पर कहते भैया सदा सद्व्याम, सदा सद्व्याम, क्या करो? भागवत को ही अपना जीवन का सर्वस्व बनाओ, गीता रामायण पढ़ो, पिता माता की सेवा करो, और पिता माता की आदर करनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ, मैं पीछे पीछे का कीर्तन कर लो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
तभी इसी जीवन में हरि का नाम ले रहे हैं। देखो रूपों गोस्वामी क्या कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं उनका तीन काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है कल सबको पूछूंगा, क्या तीन काम हो जाता है ध्यान देकर सुनो। पहला नंबर है, नरक में जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाता है, चित्रगुप्त कौन है, चित्र मतलब होता है फोटो, गुप्त मतलब वहां पर ना एक कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा में हम जो कुछ कर रहे हैं ना, ये चित्रगुप्त का कैमरा है, जो कुछ हम कर रहे हैं ऑटोमेटिक वहां पर सबके सब फोटो खुल जा रहा है, इसलिए इसलिए उसका नाम चित्रगुप्त है। लेकिन देखो जो हरि का नाम लेते हैं कितने महिमा, कहते जो हरि का नाम ले चित्रगुप्त का जब महाराज बुलाते हैं, बोला भैया रजिस्टर लेकर इधर आ जा, बोले क्यों, बोले इसका नाम को यहाँ से काट दो, उसका नाम को यहाँ से काट दो, बोले क्यों, बोले भगवान का नाम ले रहा है ना वो कभी और नरक नहीं आएगा। ताली बजाओ सबके सब, आप लोग कभी नरक नहीं आएगा, ये जब स्वर्ग कहते हैं ये व्यक्ति कभी नरक नहीं गया, इसका नाम को यहाँ काट दो। बोले दूसरा काम क्या है, बोले बोलो तो वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बोलती है, बोले रजिस्टर ले आ, बोले किस लिए, बोले ये व्यक्ति हरिनाम कर रहा है ना, इसका नाम यहाँ पर लिख दे, नाम को यहाँ पर लिख दे, एक दिन मेरे धाम में और व्यक्ति बोलो वृंदावन जाएगा। कहते ये तीसरा काम क्या होता है, बोले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला सजाना शुरू कर देते हैं, बोले क्यों, बोले जो व्यक्ति हरिनाम कर रहा है ना, जब ये भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक को पार करेगा, ब्रह्म लोक को पार करते हुए तो वैकुंठ जाएगा ना,
जब ये ब्रह्मलोक को पार करूंगा मैं उसको बीच में मैं उसका आरती करूंगा, उसका मैं आरती करूंगा। कितने महिमा ने ये पूर्ण करे जो हरि के नाम को ले रही। इसलिए आप लोग बड़े पुण्यात्मा हो जो यहाँ बैठ करके ठाकुर जी को सामने बैठ कर कथा सुन रहे हो। हरिनाम लेने का इतना महत्व, इसलिए मेरे पीछे भी सब बोलना, कोई मुख बंद नहीं करना, क्योंकि जो हरिनाम करेगा ना उसको पाप तो उड़ जाएगी लेकिन बैठेगा कहाँ पर, जो करेगा नहीं, जो नहीं करेगा उसको ऊपर सारे पाप बैठ जाएगा है। इसलिए सबके सब मेरे पीछे भी हरिनाम करना। बोला हरे कृष्णा ज्ञान। हाँ ये प्रभु जी आपको, ये विदेश से आए हैं,
विदेश से आ गए, लेकिन आपको ये हिंदी भाषा में कथा सुनाएंगे। अब देखना ये हिंदी ठीक से, थोड़ी थोड़ी गलती होगी लेकिन आप लोग सुधार देना कि हिंदी ठीक से बोलता है कि नहीं, ठीक है ना। ये भागवत की महिमा, इसमें दो कथा आती हैं, एक गोकर्ण धुंधुकार की कथा आती है और एक ज्ञान भैया की कथा आती है। ये दो कथा आती है, ये आपको सुनाएगा ज्ञान भैया के कैसे भगवान की कथा सुन करके से नाच उठे, इसमें से सुनाएगा। अज्ञानमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद, सभी पर हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरे यथायोग्य प्रणाम। श्री पद्म पुराण के अंतर्गत जो भागवत के महिमा का निरूपण किया गया है, हम लोगों ने कल उसके विषय में श्रवण किया था। विशेष करके उसके अंदर जैसा गुरुदेव बता रहे थे, ज्ञान वैराग्य और भक्ति देवी का जो उपाख्यान है वो आता है, और धुंधुकारी किस प्रकार ये भागवत कथा श्रवण करके उनका उद्धार हुआ उसकी कथा हमने कल श्रवण करी है। श्री ज्ञान वैराग्य और भक्ति कथा कुछ इस प्रकार वर्णन आती है वहां पर कि एक समय नारद जी भ्रमण करते करते बद्रिकाश्रम की ओर गए, और बद्रिकाश्रम में जब वो भ्रमण कर रहे थे उनकी भेंट हुई चतुसन से, लेकिन वो देखने में बड़े चिंतित लग रहे थे। चतुसन ने देखते ही उनसे प्रश्न किया, बोले आपका मुख देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी धनी व्यक्ति का धन किसी ने हरण कर लिया हो। अरे साधु लोग तो बिना किसी संसार के प्रपंच से दूर रहते हुए आनंद में रहते हैं, लेकिन आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है आप बड़े चिंतित हैं, आपकी चिंता का क्या कारण है बताइए हमें। साधु यदि आनंद में ना रहे तो गृहस्थ क्यों उनके पास में आकर उनके आनंद का कारण पूछेंगे। गृहस्थ जो अपने घर जंजाल के प्रपंच में इतने दुखी हैं, साधु को जब प्रसन्न देखते हैं तब तो उनके पास में आकर उनके आनंद का कारण पूछते हैं। आप ही दया करके बताइए कि आप इतने चिंतित क्यों व्यस्त हैं, आप चिंतित क्यों घूम रहे हैं। तो उस समय पर नारद जी कहते लगते हैं कि मैं सत्संग का प्रेमी हूं, और भारत भूमि को सर्वश्रेष्ठ जानकर मैंने सत्संग करने की आशा से यहां पर आया, समस्त तीर्थ स्थानों पे भी भ्रमण किया। बोले कहां कहां, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। नारद जी कहते हैं समस्त तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करके मैंने देखा लेकिन मेरे हृदय को शांति नहीं मिली। बोले क्यों, आपके हृदय में शांति क्यों नहीं। बोले जहां जहां पर भी मैंने गया वहां पर देखा पाखंडी निरता संतो, वहां पर जो साधु तीर्थ स्थान पर वास कर रहे हैं, किस प्रकार यजमान से ज्यादा पैसा ले लिया जाए इसी की योजना में आबद्ध है। कोई भजन को उद्देश्य करके तीर्थ स्थान पर वास नहीं कर रहे हैं, सब प्रायः पाखंडी हो गए हैं। मैंने सोचा तीर्थ स्थानों और साधुओं की बात छोड़ दो, गृहस्थों के यहाँ जाता हूँ, लेकिन वहां पर भी ऐसी स्थिति थी। बोले क्या स्थिति थी, तरुणी प्रभुता गे है शालको बुद्धिदायक,
घर में मैडम जी का ऑर्डर चलता है, मैडम जी कहती है उठो तो स्वामी उठते हैं, मैडम जी कहती है बैठो तो बैठ जाते हैं। तरुणी प्रभुता गे है शालों को बुद्धिदायक, साले साहब जिस तरह से एडवाइस देते हैं उसकी एडवाइस के अनुसार घर परिचालित हो रहा है। गृहस्थों के यहाँ पर भी मैंने आकर देखा शांति नहीं है, इसीलिए मैंने भ्रमण करते करते सोचा कि वृंदावन क्यों ना चला जाऊं। अरे वृंदावन कोई साधारण थोड़ी है, वृंदावन ठाकुर की साक्षात लीला भूमि। वृंदावन में जाकर मैंने देखा हो सकता है यमुना कलकल नाम से प्रवाहित हो रही है, इस लीला स्थली पर निश्चित रूप में मेरे हृदय में शांति मिलेगी। लेकिन वहां पर भी एक आश्चर्य घटना मैंने देखी। चतुसन प्रश्न करते हैं क्या देखा है ऐसा बतलाइए। बोले मैंने देखा एक युवती बड़ी सुंदर रत्न सिंहासन पर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थी, उसके आसपास दास दासियां कोई उसको चामर झुला रही है, कोई इसे पंखा झुला रही है, कोई इसे तांबूल की बिड़िया दे रही है, लेकिन तब पर भी वो युवती रो रही है। अजोर नयनों से आंखों से अश्रु बहे जा रहे हैं और सामने दो वृद्ध मूर्छित पड़े हुए हैं। मैंने सोचा साधकों का रोने देने से क्या लेना देना, मैं तो वहां से जाने लगा। लेकिन उसी समय पर वह तरुणी कहने लगी भोगो साधुषणम तिष्टम मच्चिंताम अपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अधरम परम। अरे साधु बाबा तनिक रुक जाइए, आप कहां मुझे देखकर भागे जा रहे हैं। सर्वथा अधरम परम, आप जैसे साधुओं का दर्शन तो अनेक भाग्य के साथ में मिलता है, मेरी तनिक व्यथा सुनिए, मेरी पीड़ा को भी दूर कीजिए। नारद जी प्रश्न करने लगे कि तुम कौन हो, काशी कौन। अपना परिचय देते हुए वो युवती कहती है अहम भक्तिर इति ख्याता इमो मे तनयो मतो। नारद जी मेरा नाम है भक्ति, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे ने जर्जरो, मेरा नाम भक्ति है, मेरी ख्याति क्या है। बोले मैं भक्ति नाम से प्रसिद्ध हूं। हमारे वैष्णवाचार्य ने इस ख्याति शब्द की अनेक व्याख्या करी है, कई आयाम इसके पीछे दिखला दिए। बोले भक्ति देवी की ख्याति क्या है, थोड़ा समझने में सिद्धांत है लेकिन मन देकर समझने की चेष्टा कीजिएगा। भक्ति देवी के लिए कहते हैं अहम भक्तिर इति ख्याता, भक्ति देवी की यही ख्याति है कि भक्ति अत्यंत गुह्य है, गुह्य अर्थात बहुत कॉन्फिडेंशियल है। भगवान ने जब गीता में ज्ञान दिया अर्जुन को उस समय पर भी कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये भक्ति कोई साधारण वस्तु नहीं है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल वस्तु है, बहुत ही गुह्य है। और क्या है भक्ति की ख्याति, बोले भक्ति की ख्याति यह है कि भक्ति पूर्ण रूप में स्वतंत्र है, भक्ति पूर्ण रूप में स्वतंत्र है, ज्ञान योग कर्म इन सब को अपना फल स्वतंत्र रूप में नहीं दे सकते, लेकिन भक्ति स्वर संपूर्ण रूप में स्वतंत्र है। भक्ति में ही केवल मात्र इतनी शक्ति है कि वो भगवान को वशीभूत कर लेती है। जब सुन रहे थे ना, केवल मात्र भक्ति में इतनी शक्ति है, जब किसी साधक के हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है भगवान स्वयं आकृष्ट होकर चले आते हैं। साधक को भक्त को भगवान के पास में नहीं जाना पड़ता, भक्ति इतनी बलवती है कि वो भगवान को आकर्षण कर लेती है। यह है भक्ति की ख्याति अहम भक्तिर इति ख्याता। और एक बतला रहे हैं भक्ति की ख्याति कि भक्ति स्वतंत्र होने के साथ साथ में क्या है, बहुत ही सुंदर है, यद्यपि दुर्लभ है, इतने सहज में प्राप्त नहीं होगी, लेकिन फिर भी बहुत ही साधन साधन अवस्था में भी बहुत आनंदमय है, और जब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तब तो बात ही क्या। विचार करके देखिए अभी कथा सुनने में आनंद आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, बाद में महाप्रसाद का तो आनंद है ही, उसकी तो क्या ही कहने। तो भक्ति साधन अवस्था में यही है, साधन अवस्था मतलब श्रवण कीर्तन भगवान का प्रसाद पाना, उनकी कथा सुनना, उनका कीर्तन करना, साधन अवस्था में भी ये बहुत ही आनंदमय है, और जब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी ठाकुर के धाम में चले जाएंगे तो वहां तो किसी दुख कष्ट का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए अहम भक्ति इति ख्याता। और भक्ति की क्या ख्याति है, बोले भक्ति की एक और ख्याति है कि भक्ति जहां कहीं भी हो विराजमान रह सकती है, स्वतंत्र होने के कारण ये विचार नहीं करेगी कि मैं पशु कुल में नहीं। भक्ति यदि कोई माँ के गर्भ में है तब पर भी कर सकता है, जन्म लेने पर भी कर सकता है, कुमार अवस्था में भी कर सकता है, और युवती अवस्था में भी कर सकता है, वृद्ध होने पर भी कर सकता है, मरते वक्त भी कर सकता है, और मृत्यु के बाद भी। रूप गोस्वामी प्रसाद कहते हैं व्यादस्य आचरण किम ध्रुवस्य वयो, यदि कोई विचार करे कि छोटी अवस्था में भक्ति नहीं होगी तो ध्रुव महाराज की कितनी उम्र थी, ध्रुव महाराज की क्या उम्र थी जब उन्होंने भक्ति करी। यदि कोई विचार करे कि जिस व्याध ने कृष्ण के चरणों पर बाण मारा था,
अगर आचरण सदाचरण होना चाहिए तो उसका क्या आचरण था? व्यादस्य आचरणम ध्रुवम च वयो विद्या गजेंद्रस्य का। अरे वो जब हाथी पानी में डूब रहा था, मृत्यु के समय पर जब उसने भगवान को पुकारा, उसको कितना पांडित्य था, उसकी क्या विद्या थी। इसलिए विद्या का भी विचार नहीं करती। इस तरह से अनेक आयाम उसके पीछे दिखाए हैं। अहम भक्ति इति ख्याता। नारद जी कहने लगे, तो तुम्हारी दोनों पुत्रों की ऐसी अवस्था कैसे हुई? साधारणतः क्या देखने को मिलता है, माँ जैसे जैसे वृद्ध होती है वैसे वैसे ही बच्चे बड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पूरा ऑपोजिट, पूरा विपरीत देखने को मिल रहा है। तुम्हारे दोनों बच्चे तो वृद्ध होकर पड़े हुए हैं और तुम एकदम नवयुवति जवान हो। उस समय पर भक्ति, हरे कृष्ण, उस समय पर भक्ति देवी कहने लगी, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। बोले नारद जी, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। आप लोग दक्षिण भारत यदि आज भी जाकर देखेंगे, बड़े भक्तिमान लोग रहते हैं। भक्ति देवी की जन्म स्थली है वो। इसके कारण आज भी वहां देखोगे, वहां की माताएं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना आंगन वगैरह साफ करके वहां सुंदर सुंदर रंगोली बनाती है। घर के बाहर प्रदीप जलाना, केले के वृक्ष रखना, कलश रखना, ये सत संस्कृति आज भी वहां पर विद्यमान है। दिल्ली में कितने लोग करते हैं, हमसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे। इसीलिए उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। जब मैं कर्नाटक में आई तब भी मुझे बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ, महाराष्ट्र में भी मुझे कुछ कुछ सम्मान मिला। लेकिन जैसे ही मैं गुजरात की ओर गई, गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाते ही मैं तो हो गई जरा जीर्ण, वृद्ध हो गई। प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तब कहते हैं कि गुजरात उस समय पर बड़ा नास्तिक देश था। अगर कोई साधु वहां पर पहुंच जाता, जब तक उसको वहां से परेशान कर करके भगाना दे, तब तक वहां के लोगों को चैन नहीं मिलता था। ललाट पर तिलक देखते थे तो बोलते थे कि क्या किसी पक्षी ने तुम्हारी बीट कर दी, सिर पर विष्ठा कर दी, शिखा देखी सर पर, तो क्या तुमने एंटीना लगा रखा है। साधुओं को जब तक परेशान कर करके ताड़ ना दे वहां से, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता था। ऐसा नास्तिक प्रदेश। लेकिन आज गुजरात की पूरी विपरीत अवस्था है। गुजरात में आज के समय पर सबसे ज्यादा भक्तिमान लोग हैं। प्रश्न उठता है, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों? उसका कारण कहते हैं कि गुजरात में बड़े बड़े संतों ने जन्म लिया है। बोले श्री रमण बिहारी लाल की, शचिनंदन गौर हरि की। गुजरात में बड़े बड़े संतों ने जन्म लिया, तुकाराम, वल्लभाचार्य, इन सब संतों ने वहां जन्म लिया। और एक संत के जन्म लेने का इतना प्रभाव होता है, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, तहार प्रभावे कोटि योजन निस्तारे। एक संत यदि किसी स्थान पर खड़ा होकर नृत्य करता है, उसके नृत्य करने से क्या होता है, आकाश में जब वो हाथ उठाकर नृत्य करता है, देवताओं का कल्याण होता है। उसकी दृष्टि जितने दूर तक जाती है, समस्त परिवेश को पवित्र कर देती है, इतना मंगलमय। वो संत जब नृत्य करते हैं, उनकी चरण छाप से पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है। इतनी महिमा इन साधुओं की, इतनी महिमा इन संतों की। इसलिए आज गुजरात पूरा भक्तिमान है। भक्ति देवी कहने लगी कि गुजरात में तो जीर्ण थी, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर आई हूं, कहां, वृंदावन में। ये वृंदावन धाम की इतनी महिमा है, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन धाम कोई साधारण नहीं, श्री वृंदावन वास कर साग पात नित खात तिनके भावन को निरख ब्रह्मादिक ललचात। जो संत लोग वृंदावन में निवास करके यदि साग पात भोजन करते हुए भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अरे ब्रह्मा जी भी ऐसे सौभाग्य को चाहते हैं, ब्रह्मा जी भी ऐसे भाग्य की वांछा करते हैं। भाई जी क्या कहते हैं, मीरा भाई, आली मोहे लागे वृंदावन नी को, 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 लागे वृंदावन नी को, सखी मोहे लागे वृंदावन नी को, I'm gonna go
बोले, देवी चिंता करने की कोई बात नहीं, आपकी अवस्था, आपकी जो व्यथा है मैं पूर्ण रूप में समझ गया हूँ। आपकी इस दुविधा का कारण है ये कलयुग, ये कलयुग के कारण ही इतने सारे दोष हैं और इस कलयुग के कारण ही यहाँ पर आने पर आप तो हो गई है युवती, लेकिन क्योंकि वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य की कोई ग्राहक नहीं, इसलिए आपके दोनों पुत्र जरा जीर्ण हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। भक्ति देवी ने कहा कि तो आप इनको भी नवयौवन प्राप्त कीजिए, प्राप्त करवाइए ताकि ये ठाकुर की सेवा में लगे मेरे साथ साथ। मैं चाहती हूँ, हम तीनों का त्रिक है, हम तीनों की जोड़ी है और हम तीनों जैसे ठाकुर की सेवा में लगे, इस तरह का आप कुछ उपाय कीजिए। नारद जी कहने लगे कि ये कलयुग के प्रभाव से ऐसा हुआ है। भक्ति देवी प्रश्न करने लगे कि परीक्षित महाराज ने फिर कलयुग को स्थान क्यों दिया? अरे जब कलयुग में इतने दोष हैं, इस कलयुग में जब इतने दोष हैं तो उसे मार देना चाहिए था। तब नारद जी कहते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा यज्ञोपशमनेन वा। अरे जो फल यज्ञ, तपस्या, दान, पुण्य इत्यादि से प्राप्त नहीं होगा, तत् फलेन लभते सव्यक् करो केशव कीर्तनात्। केवल मात्र कोई दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे, केवल मात्र भगवान का नाम करने से ही वो फल प्राप्त हो जाएगा। ये कलयुग के अंदर यद्यपि बड़े दोष हैं, लेकिन ये एक सर्वश्रेष्ठ गुण होने के कारण उन्होंने ये कलयुग को स्थान प्रदान किया। नारद जी कहने लगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी व्यथा को मैं अनायास ही दूर कर दूंगा। भक्ति देवी उस समय पर नारद जी की गुणगान करने लगी। भक्ति देवी साक्षात आज साधुओं की महिमा गान रही है, गान कर रही है, कहती है, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते। हे ध्रुव, हे नारद जी, अरे आपके वचनों पर विश्वास करके 5 वर्ष का ध्रुव भगवत के लोक को चला गया, आप ही के वचन पर विश्वास करके कयाधु पुत्र प्रहलाद सर्वश्रेष्ठ भक्तों में हो गया, इसलिए आप दया करके मेरे पुत्रों पर भी अनुग्रह कीजिए। आप यदि कृपा करेंगे निश्चित रूप में मेरे पुत्रों को भी नवयौवन प्राप्त हो जाएगा। नारद जी कहने लगे, श्री कृष्ण चरणाम भोज दुख गमश्यति। भगवान के चरण का स्मरण करो, उनके दोनों चरण कमल अभय प्रदान करेंगे, अशोक प्रदान करेंगे, उनका चरण कमल का स्मरण करो, सब दुख दूर हो जाएगा। नारद जी ने उसी समय पर वेद, पुराण, उपनिषद सब ज्ञान वैराग्य के कानों में गाने लगे, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई, अभी भी उसी तरह से मूर्छित बेहोश पड़े हुए हैं। नारद जी ने उसी समय पर गीता का उपदेश उनको सुनाया। गीता का उपदेश सुनने से ज्ञान वैराग्य को थोड़ी चेतनता प्राप्त हुई, थोड़ी जगह तो, लेकिन फिर वापस जैसे गीता खत्म हुई फिर वापस मूर्छित हो गए। नारद जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि ये क्या, इतना हैवी डोज दे दिया लेकिन तब पर भी उनको चेतनता नहीं आ रही है। गीता तो कोई साधारण नहीं, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्रित, भगवान के मुख निश्रित वाणी और वो श्रवण करके भी यदि ज्ञान वैराग्य को चेतनता प्राप्त नहीं हुई तो और क्या हुआ, और क्या चाहिए, क्या बाकी रह गया, कहां कसर रह गई। नारद जी जब ये मनी मन विचार कर रहे थे उसी समय पर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहती है कि नारद बाबा कोई सत्कर्म करो। नारद जी मनी मन विचार कर रहे हैं कि अब तक क्या हम कोई असत्कर्म कर रहे थे, अरे वेद पुराण उपनिषद का गाना क्या कोई सत्कर्म नहीं है। तो उस समय पर आकाशवाणी ने कहा कि कोई साधु ही बताएगा ये बात, तो क्या सत्कर्म करने से ज्ञान वैराग्य को चेतनता मिलेगी। अभी नारद जी जिस भी साधु के पास में जाते वो नारद जी को सामने देखकर प्रणाम करके और दूर चला जाता, कोई भी उत्तर देने को राजी नहीं कि सत्कर्म है क्या। ऐसे ही भ्रमण करते करते नारद जी पहुंचे हैं बद्रिकाश्रम में, और बद्रिकाश्रम में उन्होंने चतुसंत के सामने ये सारा वार्तालाप कह दिया। चतुसंत कहने लगे कि आपको इतनी सी बात, अरे इसका उत्तर तो हम दे देंगे। नारद जी प्रश्न करने लगे, बोले क्या? बोले आप श्रीमद् भागवत का गान किए हो, श्रीमद् भागवत ग्रंथ सबसे सर्वश्रेष्ठ है, आपने उसका गान नहीं किया, इसी कारण ज्ञान वैराग्य को चेतनता नहीं मिली। नारद जी प्रश्न करते, बड़ा ध्यान देकर सुनिए, नारद जी प्रश्न करते हैं कि यदि मैंने वेद पुराण उपनिषद ये सारे गुरु के सामने गान कर दिए, अगर इसको सुन के उनको चेतनता नहीं मिली, भागवत में ऐसा क्या है? इसलिए कहते हैं देखो ये भागवत है क्या, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। कल सुन रहे थे हम लोग, समस्त वेदों का सार स्वरूप है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत समस्त वेद पुराण उपनिषद का सार है,
अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय, ये गायत्री का भाष्य है, समस्त वेदांत का समस्त सूत्र इसी के अंदर विराजमान है। तो अगर सब शास्त्र मैंने पढ़ दिए फिर अलग से भागवत करने की क्या आवश्यकता है? उस समय पर चतुसन तीन उदाहरण देकर समझा रहे हैं, आप भी बड़े ध्यान से समझिए। चतुसन कहते हैं यदि कोई विचार करे, अरे घी तो दूध से ही निकलता है, इसलिए जलते हुए प्रदीप में घी की जगह दूध डाल देता हूं। दूध घी निकला तो दूध से ही है ना, तो घी डालने की आवश्यकता, सीधा दूध डाल देता हूं, क्या उसे प्रदीप जलता रहेगा? क्या उसे जलता रहेगा? वहीं पर बुझ जाएगा। घी का काम दूध नहीं कर सकता। जैसे शक्कर निकलती है गन्ने के रस से ही, लेकिन कोई उबलती हुई खीर में शक्कर की जगह यदि गन्ने का रस डाल दे क्या काम होगा? बात बनेगी? जिस प्रकार एक आम फल बड़ा मीठा होता है, लेकिन आम फल को खाके यदि कोई मनी मन विचार करे कि इसके टहनी, इसके पत्ते, उसमें भी कितनी मिठास होगी, वो यदि खाकर देखे तो क्या उसमें रस आएगा? रस आएगा? ठीक उसी प्रकार भागवत यद्यपि सार है समस्त वेदों का, लेकिन जैसे घी का काम दूध नहीं कर सकता, शक्कर का काम गन्ने का रस नहीं कर सकता, आम का काम उसके डाली पत्ते नहीं करेंगे, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है, उसका काम वेदों द्वारा नहीं होगा। बोलो श्री भागवत कथा अमृतम की, जोर से बोलो, बोलो श्री भागवत कथा अमृतम की। नारद जी ने उसी समय पर चतुसन से कहा कि आप ही तो तब ये शुभ काम कीजिए, आप ये भागवत कथा सुनाइए। ठीक है, कहां पर होनी चाहिए? बोले हरिद्वार में, हरिद्वार के आनंद नामक घाट में ये भागवत कथा हुई है। समस्त श्रोता वहां पर उमड़ उमड़ कर आने लगे। पहले के समय पर कोई टेलीग्राम मैसेज व्हाट्सएप नहीं होता था, लेकिन संतों के पास में इतनी शक्ति थी, जैसे ही उनको ज्ञात हुआ चतुसन भागवत कथा कर रहे हैं, सब वहां पर आने लगे। और जो जो लोग नहीं आए थे, स्वयं भृगु ऋषि सबके घर घर में जाकर निमंत्रण देने लगे, अरे सुनते हो भागवत कथा हो रही है, जल्दी आओ। बोले नहीं, हमारे घर में बड़ी परेशानी है, घर में बेटा नहीं है। बोले आ जाओ, भागवत कथा सुनने से बेटा मिल जाएगा। सुनते हो भागवत कथा हो रही है, चले आओ। बोले हमारे घर में धन का बड़ा अभाव है, हमें पैसा कमाना है। बोले भागवत कथा सुनने आओ, लक्ष्मी मिलेगी। लोगों को तरह तरह का प्रलोभन देकर भृगु ऋषि ने समस्त आमंत्रित करके और श्रीमद् भागवत कथा के अंदर बुला लिया। चतुर्सन वहां पर साक्षात भागवत की महिमा गान कर रहे हैं, सदा से प्याम श्रीमद् भागवती वार्ता यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। अरे भागवत कथा एक दिन, दो दिन, सात दिन श्रवण करने का विषय नहीं है, सदा से प्याम इसका श्रवण यदि कोई करे तो होगा क्या? बोले हरिश्चित्तम समाश्रये। अरे वो चित्त चोर इस चित्त के अंदर आकर विराजमान हो जाएंगे, कानों के माध्यम से कृष्ण साक्षात हृदय में प्रवेश करेंगे, और हृदय में प्रवेश करके क्या करेंगे? बोले श्रुणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। जिस प्रकार उदाहरण देकर बताते हैं, हमारे घर में कोई हमारा दोस्त आया, उसे बैठने के लिए चेयर दी, लेकिन चेयर पे इतनी मिट्टी पड़ी हुई थी, गंदी थी। वो आपसे नहीं कहेगा कि चेयर साफ तो कर देता, क्या करेगा? पॉकेट से निकाला रुमाल, खुद ने साफ किया और वहां पर बैठ जाएगा, होगा? तो ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण, हमारा हृदय तो अत्यंत मलिन है, आप लोगों का पता नहीं, मेरा तो अत्यंत मलिन है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नाना प्रकार के इसके अंदर दोष है, लेकिन भगवान कृष्ण कथा के माध्यम से हृदय में प्रवेश होंगे, इस हृदय को परिमार्जित कर वहां पर अपने लिए सुलभ स्थान बना लेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। जब सुंदर भागवत कथा वहां पर हो रही थी, उसी समय पर बड़ा आश्चर्य घटना देखी। क्या देखा? भक्ति सुतो तो तरुणो ग्रहित्वा प्रेमे Hey।
से प्रश्न करने लगे कि सबके लिए स्थान है, अरे हमें भी तो कुछ स्थान दो। चतुर्सन कहने लगे कि तुम समस्त श्रोताओं के हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ। समस्त श्रोताओं के हृदय में भक्ति देवी का साक्षात विराजमान हुआ। भक्ति देवी वहां पर आनंद में विश्राम कर रही है और उसके प्रसाद उसके पश्चात सबसे अंत में श्री नाम संकीर्तन हुआ, जहां पर साक्षात प्रहलाद जी ताली देते हुए, इंद्र ने आकर वहां पर मृदंग की सेवा करी, अर्जुन वहां पर राग अलाप रहे हैं और व्यास देव के व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी स्वयं बड़े भाव में नृत्य करते हुए वहां पर भागवत के श्लोकों का गान कर रहे थे। शेष में यही हुआ है, जो भी त्रुटि रही हो श्री नाम संकीर्तन के द्वारा समस्त परिपूर्ण हो जाती है, इसलिए भागवत की कथा के शेष में श्री हरि नाम संकीर्तन करने का ही विधान है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखो जिस समय श्री व्यासदेव जी ने ये भागवत ग्रंथ को रचना की, लेकिन सारे ग्रंथ को रचना करते हुए भी उनका आनंद की प्राप्ति नहीं। जब आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, एक दिन बड़े दुखी होकर बैठ हुए, मतलब मैंने जीव कल्याण के लिए मैंने 70 पुराण को प्रकट किया, वेद को उन्होंने पहले एक वेद था, एक वेद को उन्होंने 4 वेद रूप में प्रकट किया है, फिर उनको शांति नहीं मिली, फिर उन्होंने उपनिषद बनाए, फिर शांति नहीं मिली, फिर उन्होंने ब्रह्मसूत्र बनाए, तभी शांति नहीं मिली। देखा स्त्री सूत्रों को वेद में अधिकार नहीं, पंचम वेद श्री महाभारत बनाया था, लेकिन इतने सारे ग्रंथों को बनाने का बावजूद भी मन में कोई शांति नहीं। देखो हम भी संसार में जो कुछ करते हैं शांति के लिए, किसके लिए करते हैं? सब शांति के लिए करते हैं ना, लेकिन शांति मिलती है? देखना जिसको शांति के लिए करते ना, वही अशांति का कारण बन जाती है। सोचते हैं घर में बहू आ जाएगी शांति हो जाएगी, फिर देखते ही पता नहीं एक रात में बेटे के कान में क्या मंत्र दिया, दूसरे दिन बेटा कहीं बुद्धि खराब हो जाती, बेटा हो जाए शांति मिलेगी, लेकिन देखता है बेटा एक बात नहीं सुनता है, पैसा होने पर शांति मिलेगी, फिर बहू बहू में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई शुरू हो जाती है। आप देखना इस स्तर में जिसको हम शांति के लिए करते हैं ना, आप देखना प्रैक्टिकल रूप में आप देख लेना, घर में एक समस्या आप देख लेना, आप कोशिश करते हैं किसी तरह से एक समस्या दूर हो जाएगा, चैन मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देख लेना एक समस्या गई नहीं, सामने 2 समस्या गई। प्रैक्टिकल रूप में देखना, सोचते हैं भैया दूसरे समस्या किस तरह से हल हो जाए शांति मिलेगी, देखना दूसरे समस्या गई नहीं, तीसरी समस्या सामने खड़ी, समुद्र देखे वो लहर के बाद में जैसे लहरी आती है, ये संसार में लहर के बाद में भी लहरी आने लग जाती है, करते हैं शांति के लिए लेकिन सबके सब उल्टा होते जा रहे हैं। इसलिए नारद जी ने बोले मैंने शांति सुख के लिए तो कर रहा हूँ, लेकिन शांति नहीं अशांति आकर प्रकटित तो होता है, इसलिए मेरे को पता नहीं चलता है क्यों शांति हमें नहीं मिल रहा है। मैं तो जीव कल्याण के लिए इतने सारे काम कर डाला है, शांति क्यों नहीं मिल रही? इतने में तब श्री नारद जी बिना बजाते बजाते श्री नारद जी आते ही नारद जी कहते देखो इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रही है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, बोले जथा धर्म सार्था मुनि बजानो कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा जनु वर्णिता। ये नारद जी कह रहे हैं बोले तुमने बढ़ा चढ़ा करके ये दुनियादारी का जितना बात की ना, इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रही, कैसे दान दक्षिणा करेंगे, कैसे धर्म करेंगे, कैसे स्वर्ग जाएंगे, कैसे अमृत पान करेंगे, रंभा और वशी को साथ में रहेंगे। भैया ये बात तो तुमने बहुत बढ़ा चढ़ा कर तुमने बता दिया हैं, लेकिन आत्मा धर्म को विषय पर हम कौन हैं, कहाँ से आए, हमें क्या करनी चाहिए, जो जीव का जो स्वरूप धर्म है, जीव का क्या स्वरूप धर्म है, जीव कौन है, वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सबके सब भगवान की संतान, भगवान की हम औलाद, इसलिए कहते हैं ना तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविणा तुमेव सर्वं मम देव देव। इसलिए भगवान ही हमारी पिता माता भाई बंधु ठाकुर है,
लेकिन असली पिता माता भाई बंधु को छोड़कर नकली को पकड़ लिया। हम नकली इसलिए उपनिषद हमारे ब्रह्म सूत्र कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसमें तीन शब्द अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। सुख तो ढूंढ रहे हैं हम लोग, सबके सब सुख ही चाहते, कोई दुख चाहते नहीं, लेकिन सुख जहां पर है ना वहां हम नहीं ढूंढ करके गलत जगह पर सुख को ढूंढ रहे। सुख तो ठाकुर जी के चरण में है, अशोक अभय अमृत ठाकुर जी के चरण में, लेकिन ठाकुर के चरण में सुख नहीं ढूंढे। कहां की संसार, एक दिन जो नष्ट होने वाले, एक दिन खत्म होने वाले, एक दिन जाने वाले, और जो स्वयं दुखी संसार में जो नष्ट हो, वो तुम कहां शांति सुख देगा, वो देने वाले तो ठाकुर ही है। इसलिए यहाँ पर श्री नारद जी कहते हैं, इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रही है, तुमने भगवान की महिमा को, ठाकुर जी की कथा को तुमने दीन खोल कर बुला दी, इसलिए तुमको जीवन में शांति नहीं मिल रही है। लेकिन हमारे मन में क्या बैठा हुआ जानते हो, ध्यान देकर सुनो, ज्यादा पैसा आएगा तो सुखी हो जाएगी। आप बताओ, रावण के पास में सोने की लंका थी ना, हमारे पास में कितना सोना होगा, बोलो 10 किलो होगा ना, 20 किलो है, कितना किलो है। लेकिन रावण के पूरा महल ही सब सोना ही सोना है, इतने बड़े धनी, सोचते हैं किसी अच्छी सुंदर लड़की से शादी हो जाएगी सुख मिली। रावण का पत्नी का नाम क्या था, मंदोदरी, मतलब पता है, मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब कमर, जिसकी कमर इतने पतली थी वो मिस यूनिवर्स उस समय थी, विश्वकर्मा की बेटी, उसने सारी अच्छी अच्छी गुण को देख करके बनाई थी अपना बेटी को। रामायण देखा होगा, जब लंका में हनुमान जी पहुंचे, सीता को देख करके मुग्ध हो गए, बोले यही तो माँ लक्ष्मी नहीं, इतने सुंदरी थी, वो एक पत्नी नहीं थी उसकी, जहां उसको सुंदरी से सुंदरी लड़की मिली, जोर जबरदस्त उसने अपना पति बना रखा था, कितने, और मेघनाथ जैसे बेटा कितने आज्ञाकारी। जब हनुमान को रामायण देखना, जब हनुमान को बांध करके ले गए, देखा रावण को प्यार नीचे काल को स्वयं दबा करके बैठा हुआ, हनुमान जी देखा उसको पिताजी घर में झाड़ू लगा रहे, पवन देव जिस अग्निदेव को पूजा करके देखा, वो कपड़ा धुलाई कर रहे थे, कपड़ा धुलाई कर रहा था, इंद्र चंद्र वायु वरुण ब्रह्मा जी को तेरा भेद सुना रहा है, जितने सारे देवता का देखे होंगे रामायण देखे होंगे, सारे देवता को बांध करके रखा था, स्वयं लंकित जिनकी गेट कीपर थी, शंकर जी स्वयं घर में, इतने बड़े पराक्रमी। लेकिन शंकर जी को जब स्तुति करता है ना, कहते हे भोले बाबा कदा सुखी भवामि अहम्, जीवन में शांति नहीं, जीवन में चैन नहीं, हे भोले बाबा कब सुखी बनूंगा, रावण जैसे व्यक्ति। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति चैन से जी रहा था, बता सकते हो एक व्यक्ति कौन चैन से जी रहा था, है आप लोग पंडित लगता है, सबसे ताली बजा सब आप लोग। वहां पर एक व्यक्ति चैन से जी रहा था, क्यों, राम की शरण में था। अब देखना हनुमान जी पूरा लंका जला दिया देखे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति का घर छोड़ दिया, किसका घर छोड़ दिया, क्यों, राम की शरण में। सिख्या देते हैं हनुमान जी को, वो शंकर जी है, संहार करने वाले, सिख्या देते हैं जो मेरी प्रभु की शरण में आएगा उसकी घर छोड़ दूंगा, नहीं तो सबके घर में आग लगा कर खत्म कर दूंगा। हनुमान जी यही सिख्या देते हैं, लंका में भगवान राम ने सबको मार डाले, किसको छोड़ दिए, विभीषण को छोड़ दिए एकमात्र, क्यों, प्रभु की शरण में थे। इसलिए यहाँ सिख्या देते हैं, ये स्वयं नारद जी कहते हैं, अगर तुम जीवन में शांति पाना चाहते हो, भगवान की कथा को दिल खोल करके भगवान की कथा बोलो, हैं, भगवान की और उनका शुद्ध भक्तों की कथा को सुनाओ, इसी सहित में शांति सुख मिलेगी। तब व्यास देव जी ने भक्ति योग समाधि को तरह समर्पित होकर के सब कुछ देख लिखे। अभी उन्होंने नारद जी उन्होंने जब सुना है, बोले देखो आज मैं इतने बड़े संत कैसे बन गया, तब नारद जी अपना अपना चरित्रण सुनाते, हमारे ये प्रभु जी आपको नारद जी कथा सुनाएंगे, कैसे उन्होंने अपना चरित्र सुनाया, नारद बहुत सुना। ज्ञान तिरांगस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै शिवगुरवे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां
विष्णुभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशाजी गौर भक्त वृंद। सब लोग एक बार हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्मा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु कृपा वंचन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति विधान शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु कृपा वंचन करता हूँ। समस्त वैष्णव वृंद ब्रह्मचारी वृंद भक्त वृंद माताएं स्रोत मंडली आप समस्त चरणों में अधम कर भाजों के दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। जिस समय श्री वेद व्यास जी ने बहुत सारे ग्रंथ का रचना कर दिया, सबसे पहले तो एक ही वेद था, उसको देख करके उन्होंने सोचा कि एक वेद को लग रहा है कि कोई किसी के समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक वेद को उन्होंने चार वेद कर दिया। और चार वेद को भी देखा कि चार वेद में भी विशेष करके इसमें भी बहुत डिफिकल्ट है, कोई ध्यान पूर्वक अगर इसको अध्ययन करे तभी समझ पाएगा, इसीलिए उन्होंने फिर पंचम वेद महाभारत का रचना किया, बहुत सारे उपनिषद का रचना किया, कितने सारे काव्यों सूत्र का रचना किया, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिला। जिस समय शांति नहीं मिला, ये बद्रीनाथ के तट पे सरस्वती नदी के तट पे जहाँ पे ये वेद व्यास जी बड़े विचलित होके अशांत होके बैठ करके सोच रहे थे कि लग रहा है मुझे जीव कल्याण के लिए और कुछ कार्य शेष रह गया है। उसी समय ब्रह्मा जी के आदेश से नारद जी वहां पे वीणा लेके कीर्तन करते हुए प्रकट हो गए। बोले वेद व्यास जी आप लग रहा है बड़े असंतुष्ट हो, आपके मन को देख के लग रहा है कि आपके मन में संतोष नहीं है। तब वेद व्यास जी बोलते हैं प्रभु बात तो आपने सही कहा कि गुरुदेव मैंने इतने सारे ग्रंथ का रचना किया फिर भी मेरे मन में बहुत अशांति है। तब नारद जी कहते हैं देखो आपने प्रवृत्ति मार्ग को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार प्रवृत्ति करने के लिए जीव को भोग और वासना में प्रवृत्ति करने के लिए इतना मात्रा में तीर्थ यात्रा का महिमा वर्णन कर दिया, कहीं कहीं तो आपने व्रत का वर्णन कर दिया, कहीं कहीं पुत्र आदि यज्ञ का वर्णन कर दिया, इतने मात्रा में कर दिया कि जीव बस ग्रंथ पढ़े और कामनाएं हो उसके हृदय में, और ऐसे भी सारे जीव का हृदय तो कामनाग्रस्त हृदय है और आपने उसके ऊपर फिर स्टाम्प लगा दिया। सब अभी आपके ग्रंथ पढ़ पढ़ के कैसे बेटा मिलेगा, कैसे वही नौकरी मिलेगा, कैसे कैसे कौन कौन सा व्रत करने से कैसे कैसे पुण्य मिलेगा, ये सब बात सीखने लगेंगे। जैसे माताएं करते हैं ना नवरात्रि व्रत, आप लोग करते हो नवरात्रि व्रत, 9 दिन तक पूरा बड़े निष्ठा से व्रत करेंगे, 10वां दिन को दुर्गा देवी शिव जी सब चले जाएंगे, कहाँ गए उनका और कोई अता पता नहीं, 20 साल में एक बार करेंगे। गुरुदेव बोलते हैं 9 दिन तक तो दुर्गा दुर्गा, बाद में फिर मुर्गा। तो इसी प्रकार आपने ये कामनाग्रस्त जीव के हृदय में और कामना के वासना का एक बीज दे दिया और उसी बीज के प्रभाव से वो लोग क्या कर रहे हैं, बस उसमें से उतना ही चीज ग्रहण करते हैं। यद्यपि कृष्ण के भगवान के महिमा वर्णन है, भगवान के सुंदर सुंदर लीला वर्णन है, द्वारिका आदि लीला वर्णन है, फिर भी भगवान के जो मधुराति मधुर लीला किस यशोदा कृष्ण को कान पकड़ करके कृष्ण को शासन करते हैं, किस प्रकार ठाकुर जी ब्रज में गोपियों के घर में मक्खन मिश्री आदि चोरी करते हैं, और सर्वोत्कृष्ट लीला जो ब्रज गोपियों के साथ किस प्रकार ठाकुर जी रास करते हैं, इतने मधुर मधुर लीला को तो आपने वर्णन किया ही नहीं, आपने बस जागतिक चरित्र को ही वर्णन कर दिया। इसीलिए हे वेद व्यास जी अब आप क्या करो, ध्यान पूर्वक भगवान के उस लीला को, भगवान के उस मधुर ती मधुर लीला को आप विशेष करके एक ग्रंथ में प्रकाशित करो। तब नारद जी कह रहे हैं देखो
कितने बड़े बड़े आपने सुर ताल देके कितने अक्षर को सजा करके आपने ग्रंथ का रचना कर दिया। ऐसा ग्रंथ का क्या करना जो पढ़ने वाला का पल्ले ही ना पड़े, पढ़ने वाला का समझ में ही ना आए, ऐसे ग्रंथ को क्या करना। आपने इतने सारे ग्रंथ रचना कर दिया और कोई उसमें समझ भी नहीं पा रहा। मानो कि साधुओं और संत लोग वैष्णव लोग ऐसे कितने सुंदर सुंदर अगर अक्षर से सजा हुआ ग्रंथ को वो कभी ध्यान भी नहीं देते। बोले किस प्रकार ध्यान नहीं देते, जिस प्रकार कौवे कितने अपवित्र है, जहाँ पे कौवा खाके उच्छिष्ट कर देता है उसी स्थान को वैष्णव लोग परित्याग कर देते हैं, जाते नहीं। उसी प्रकार मानो आपने इस ग्रंथ में सारे के सारे जो सुंदर सुंदर अक्षर के द्वारा केवल गीत रसायन आदि इसमें रचना कर दिया, जो साधुओं के लिए कोई प्रयोजन नहीं हो पा रहे। साधु तो भाई भगवान के मस्त सुंदर सुंदर लीला में ही रमन करते हैं, उसमें ही उनको आनंद होता है, उसको ही कीर्तन करते हैं और उसको ही श्रवण करते हैं। इसलिए आप मेरे तरफ देखो। अब नारद जी कह रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में कौन था कि अहम पुरोहितम् भवे अवहम मुने दाशास्तु कश्याशन वेदवादिनां निरूपितबालकैव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवेक्षताम्। कि मेरे तरफ देख लो, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। दासी का पुत्र समझ में आ रहा है, जिनके माँ नारद जी कह रहे हैं कि वेद व्यास जी मेरे माता जी एक राजा के घर में दासी का काम करता था करती थी और वहां पे जाके झाड़ू पोछा आदि लगाई करती थी, फिर भी मेरे ऊपर कृपा हुआ। बोले कैसे कृपा हुआ, एक समय चतुर्मास्य का समय था और चतुर्मास्य के समय में हमारे गांव में कुछ वैष्णव लोग आ गए और मेरे माता के हृदय में थोड़ा भक्तिमती थी, इसीलिए उन्होंने विशेष करके सारे वैष्णवों का सेवा किया। अब मेरे माता जैसे ही सेवा करने लगी, मेरे भी इच्छा हुआ भाई वैष्णवों का सेवा करने के लिए। मैं भी जाता था वैष्णवों का साथ में, जब वैष्णव लोग स्नान आदि से निवृत्त हो जाते थे तब मैं उनको कपड़े आदि साफ कर देता था, उनके लिए जल लेके लोटा में रख के उनको जिस समय जो आवश्यक हो उसी समय वो सारे चीज प्रदान करता था। और तो और वैष्णव लोग जिस समय प्रसाद पाते थे उसी समय में उनके उच्छिष्ट प्रसाद को भी ग्रहण करता था। यहाँ नारद जी बता रहे हैं वैष्णव के उच्छिष्ट का क्या महिमा। उच्छिष्ट लेपन ननुमोदित द्विजः सकृष्म भुंज एव सकल्प पासु। बता रहे हैं वैष्णव का उच्छिष्ट का इतना महिमा है कि एक बार अगर वैष्णव का उच्छिष्ट कोई अगर ग्रहण कर लिया तो उसको निश्चित रूप में भगवान का भक्ति प्राप्त होता है। इसलिए हमारे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भक्त पद धूले यार भक्त पद जलार भक्त भूत वशेष चांद मेरा भक्त भूत वशेष चांद मेरा भक्त पद धूले यार भक्त पद जल भक्त भूत वशेष साधन निर्बल। कोई पूछेगा हम भजन करना चाहते हैं साधन करना चाहते हैं उसके लिए उसका बल क्या है उसकी शक्ति क्या है, बता रहे हैं तीन चीज। बोले क्या क्या, बोले एक तो भक्तों का चरण धूली, हम लोग धारण करते हैं गोपी तिलक, यहाँ तिलक धारण करते हैं ना, ये तिलक किनके चरण धूली है। हम आगे जाके गुरुदेव के मुखारविंद से कथा श्रवण करेंगे कि स्वयं कृष्ण को जिस समय किसी कारण से बुखार हो गया था लीलावश, उसी समय नारद जी को बोलते हैं कि आप मुझे बुखार अगर छुड़वाना चाहते हो तो मेरे किसी प्रेमी भक्त का चरण धूलि से मुझे अभिषिक्त कर दो। उसी समय नारद जी ब्रह्मांड में घूमते 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 सारे भक्तों के पास जाते हैं, सारे भक्त ने मना कर दिया। तब नारद जी घूमते घूमते ब्रज में गए, जैसे ही ब्रज में जाके गोपियों से बोलते हैं कि कृष्ण का शरीर अस्वस्थ है, आप कृपा करके अपना चरण धूलि दे सकते हो। तो गोपियां बोलते बाबा कौन सा चीज लेके आए हो, बोरा बिस्तरा लेके आए हो क्या। नारद जी आश्चर्य हो जाते हैं, चरण को रगड़ रगड़ करके धूलि देते हैं और गोपियां बोलते हैं देखो हम कृष्ण के सुख चाहते हैं, कृष्ण के सुख के लिए अगर हम नरक भी जाना चाहे नरक भी जाना पड़े तो हम जाएंगे और हमारे प्रभु अगर सुख में रहे तो।
इसीलिए जहाँ पे ये तिलक का एक तालाब है अभी भी द्वारिका में, जिसको बोलते हैं गोपी तालाब, और हम वही तिलक करते हैं गोपी तिलक। ये तिलक का इतना महिमा है, तो बता रहे हैं इसको अगर कोई धारण करेगा, ये साधन का भक्ति का ये बल है, भक्ति बढ़ाने वाली है ये तिलक। और क्या बोले, भक्तों का चरणामृत, भक्तों का चरणामृत का क्या महिमा है। हमारे ही आचार्य, हमारे ही गौड़ीय वेदांत समिति के आचार्य पूज्यपाद नित्यलीला वरिष्ठ भक्ति बामन गोस्वामी महाराज जी किसी समय हमारे वृंदावन में रूप सनातन गौड़ीय मठ में किसी एक भक्तों को भूत लग गया था, तो भूत स्वयं बोला कि मुझे अगर भक्ति बामन गोस्वामी महाराज जी के चरणामृत दे दो तो मेरा उद्धार होगा। प्रत्यक्ष घटना है, इतना भक्तों का चरणामृत का महिमा है। और भक्त भुक्त उच्चिष्ट, भक्तों का जो उच्चिष्ट प्रसाद का ए ही भगवान का बता रहे हैं। देखो भक्त का उच्चिष्ट का क्या महिमा है। श्री रामानुजाचार्य जिस समय अपने बाल्यकाल में विद्या ग्रहण करने गए थे, तो उन्होंने एक मायावादी संतों के पास जाके विद्या सीख रहे थे। उसी समय यादवाचार्य वहाँ पे एक थे, तो उनके पास विद्या सीख रहे थे। तो उसी राज्य में किसी एक राजा को लड़की को ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया। अब श्री रामानुजाचार्य बहुत छोटे हैं, और उसी समय जैसे ही वो यादवाचार्य को पता चलता है कि राजा को लड़की को ब्रह्म राक्षस पकड़ लिया है, तो ब्रह्म राक्षस को छुड़ाने के लिए जब जाते हैं तो ब्रह्म राक्षस बोलने लगते हैं, बोले तुम क्या मुझे छुड़ाओगे, तुम्हारे ऊपर तो इतना कृपा हुआ, तुम तो पिछले जन्म में एक गोसाग थे, गोसाग मतलब एक गिरगिट, एक प्रजाति का गिरगिट थे, लेकिन तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ, किसी वैष्णव ने तुम्हें उच्चिष्ट दे दिया, इसलिए तुम इतने बड़े विद्वानी बन के इस काल में तुम इस जन्म में तुम विद्वानी बन के जन्म हुए हो, अगर मेरा कल्याण करेंगे तो ये जो छोटा बच्चा है रामानुजाचार्य, इनके चरण का अमृत यानी इनके चरण धो के अगर कोई मेरे ऊपर जल छिड़क दे, इनके चरणामृत अगर मुझे कोई पान करवा दे तो मेरा मुक्ति हो जाए। इतना भक्तों का उच्चिष्ट, भक्तों का चरण धूली और भक्तों का तिलक, भक्तों का राज्य का महिमा है। इसीलिए यहाँ पे नारद जी वर्णन कर रहे हैं, देखो जिस समय साधु वहाँ पे भोजन करते थे, मैं उनके उच्चिष्ट ग्रहण किया करता था, मैं उनका सेवा किया करता था, और उनके साथ साथ कीर्तन किया करता था, उनके साथ साथ मैं उनके हरिकथा को भी श्रवण किया करता था। इसीलिए जिस समय साधु लोग चातुर्मास्य के समय में जाने लगे, मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। अब साधु लोग बोलने लगे कि भैया तुम क्यों आ रहे हो, तब नारद जी बोलते हैं मैं तो आपके साथ जाऊंगा। वैष्णव लोग बोलने लगे कि देखो तुम्हारे अभी तो माता जी हैं और तुम्हारे पिताजी नहीं है, तुम्हारे केवल माता ही है, इसीलिए तुम क्या करो अपने माता जी की सेवा करो, जिस समय तुम्हारे माता जी का शरीर शांत हो जाएगा, स्वर्ग लोग वास करेंगे, उसी समय तुम आ जाना। तब नारद जी प्रणाम किए और साधुओं ने उनको एक मंत्र प्रदान किए, ओम नमो नारायणाय, इसी प्रकार का मंत्र साधु ने प्रदान किए। और जैसे साधु ने मंत्र प्रदान किए, तब उसी समय नारद जी उसी मंत्र को जाप करते करते, उसी मंत्र को हर दिन जाप करते करते सारे क्रियाकलाप छोड़ दिए और उसी मंत्र को जाप करने लगे। नारद जी के माता सोचने लगे कहीं मेरा बेटा साधु ना बन जाए, माताओं को और कोई बात से परेशान हो नहीं हो, अगर घर में बच्चे और भजन करने लगे तो बड़ा परेशानी होता है, बड़ा कष्ट होता है, बेटा अगर मोबाइल देखने लगे, बेटा अगर क्लब जाने लगे तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन बेटा अगर मंदिर जाके बोलते 8 बज गया तुम इतने देर मंदिर में ही थे, मूवी देखने जाते 12 बजे तक बोलते कहाँ गए थे, बोले मूवी देखने, बोले अच्छी बात है, ऐसा परिस्थिति हो गया है। तो बता रहे हैं देखो नारद जी के माता सोचने लगे कहीं साधु बन ना जाए, इसलिए नारद जी को उन्होंने शादी करवाने के लिए सोच रहे थे। अब नारद जी सोच रहे हैं कि मैं कैसे भगवान के भजन करूं, और उनके माता के पधारने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। अब नारद जी के यहाँ पे भगवान ने शास्त्र में बता रहे हैं, श्रेयंसी बहु विघ्नानि, भजन करने जाओ तो बड़े विघ्न होगा, हम भजन करने आए हैं, हम अगर भजन करने आ भी गए तो कोई बोलेगा भाई तू अभी से भजन कर रहा है,
कोई करने नहीं देंगे। कोई बोलेगा कि तुम हमारे साथ अभी क्या मंदिर में बैठ के 2 घंटा कथा सुनोगे, चलो 2 घंटा हम घूम के आते, तो पार्क में घूमो, बैठे बैठे तुम्हारे पैर दर्द हो जाएगा, मंदिर में क्या करना। इसीलिए श्रेयन से बहु विघ्न नहीं, बहु विघ्न आएगा, कोई भजन करने नहीं देंगे। जगत के सारे जागतिक उपदेश देते हैं लेकिन भजन संबंधित उपदेश कोई कहीं नहीं देता। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि नारद जी जैसे ही भजन में प्रवृत्ति हुए, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं कोई अगर मेरे तरफ 1 कदम आता है तो मैं उसके तरफ क्या करता हूँ, 10 कदम आगे आके उसको गले में लगा देता हूँ। अब इतने में नारद जी के हृदय की भावना समझ करके एक समय संध्या के समय उनके माता जी गोदुग्ध कर रहे थे और किसी कारणवश तो उनको सर्प डस लिया और वो चले गए, पधरा गए। अब नारद जी के रास्ते के सारे कांटा साफ हो गया। अब नारद जी भगवान के भजन करने के लिए उत्तरांग दिशम गतो, उत्तर दिशा की तरफ चलने लगे और भगवान के भजन करते करते जाते जाते घोर जंगल में प्रवेश कर लिए और प्रवेश करके वहाँ पे एक पिपल का वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके नारद जी भजन करने लगे। जैसे ही नारद जी भजन करते हैं धीरे से भगवान हृदय में उनके हृदय में प्रवेश किए और नारद जी को केवल एक झलक दे दिया। नारद जी को केवल भगवान ने अपने एक झलक दे दिया। एक झलक दे के नारद जी तो पूरा, अरे जिन भगवान को स्वप्न में भी देख के लोग मूर्छित हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, उनका एक झलक कितना होगा। बोले एक झलक दे दिया और भगवान तक्षणात अदृश्य हो गए। अब नारद जी तो भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रहे हैं, जा रहे हैं, बन बन भटक रहे हैं। तब उसी समय आकाशवाणी हुआ, हंतास्मि भवानी मां मां कि अभिपक्वम कषायनम, कि हे नारद जी अब तुम्हारा जो कषाय बाकी रह गया है, अब तुम पूरे रूप में पके नहीं हो, इसीलिए तुम्हें अगर पूर्ण रूप में अगर भजन करोगे तो मैं अगले जन्म में तुम्हें पूर्ण रूप में दर्शन दूंगा। तब नारद जी को पूर्ण विश्वास हो गया। नारद जी पूर्ण विश्वास करके भगवान को भजन करने लगे और भगवान को भजन करते करते नारद जी स्वयं बता रहे हैं कि किसी समय प्रलय हुआ और प्रलय के बाद जैसे ही नारद जी प्रलय में फिर जैसे ही पूरा सृष्टि जलमग्न होके भगवान कारणदग सहित विष्णु के अंदर चला गया, तब नारद जी फिर अगले जन्म में ब्रह्मा के पुत्र होके जन्म होते हैं। बोल नारद जी की। नारद जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं अगले जन्म में दासी पुत्र, कहाँ मैं साधुओं का वैष्णवों का सेवा किया, उनके उच्चिष्ट ग्रहण किया, उनके हरि कथा कीर्तन श्रवण किया और इस जन्म में ये नारद शरीर प्राप्त हुआ। ये नारद जी जब गिरिराज तलेटी में थे तब वहाँ पे साक्षात ठाकुर जी और अपने सखियों के साथ स्वयं किशोरी के साथ प्रकट होके नारद जी को एक वीणा प्रदान किया। देवदत्तम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विमूर्छिताम मूर्छिताम हरिकथाम गायमानश्च राम्यम्। जैसे ही ठाकुर जी ने वीणा प्रदान किया तब नारद जी तो पूरा पूरा ठाकुर जी के तीनों लोक में भजन करते 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 सारे जगह पे जाते हैं। नारद जी कह रहे हैं देखो मेरा ऐसा स्थिति है, केवल भगवान के नाम का महिमा है, केवल भगवान के नाम का कीर्तन करता हूँ, स्वर्ग में जाता हूँ देवता गण मुझे साष्टांग प्रणाम करते हैं, मर्त्य में जाता हूँ मानव लोग मुझे साष्टांग प्रणाम करते हैं, दानव लोग मुझे साष्टांग प्रणाम करते हैं, चारों तरफ मेरा सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम का, साधुओं का सेवा करने का, साधुओं का उच्चिष्ट ग्रहण करने का, कथा कीर्तन श्रवण करने का इतना महिमा है। इसलिए हे वेद व्यास जी आप भी क्या करो ना, साधुओं के लिए वो भगवान के मधुर अति मधुर लीला को आप अपने हृदय में जिस प्रकार भगवान आपको प्रेरणा दे रहे हैं आप उसी प्रकार एक ग्रंथ का रचना करो। तब ऐसे कह के नारद जी वहां पे चले जाते हैं और सरस्वती नदी में तुरंत स्नान करके संध्या आदि करके वेद व्यास जी ने ध्यान लगाया। भक्ति जोगे न मनसि सम्यक् प्रणहितो अमले, भक्ति जोग के द्वारा भगवान को ध्यान जैसे ही लगाया,
क्या देख रहे हैं? मायम च तत् उपास्य, भगवान को माया सेवा कर रही है। जो भगवान को सेवा करते हैं उनको माया कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो माया को सेवा करते हैं भगवान को छोड़ के, वो इस सारे संसार में फिर भटकते रहते हैं। फिर बाद में व्यास जी ने फिर जन्मांधस्य श्लोक से तम अंतिम श्लोक तक, नाम संकीर्तन श्लोक तक आत्म साक्षात किया और ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ का रचना किया। बोल श्रीमद् भागवतम कथामृतम की जय। प्रेमानंदे स्वर्गाय लोकाय सहस्रम महासते। अभी एक और कलयुग आ गया, जिस कलयुग से दुखी होकर के सौनकादि लोग ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले कलयुग से हम बच्चे कैसे? बोले कोई चिंता मत करो, मैं मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, जहाँ पर चक्र गिरेगा वही पवित्र स्थान, वही पर भजन करो। सौनकादि ऋषि लोग भजन कर रहे थे, एक दिन सुत गोस्वामी आए, तब उन्होंने सुत गोस्वामी को आसन दे करके उन लोगों ने 6 प्रश्न किया। अब ये 6 प्रश्न का जो उत्तर है ये भागवत है। आज ये 6 प्रश्न किया मैं बताऊंगा, कल आपसे सुनूंगा, ध्यान देकर सुना। पहला जो प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, ये करोड़ रुपया के प्रश्न है। दूसरी जो प्रश्न है, जब तक जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हो तब तक भगवत उसको शांति नहीं मिल सकती है, इसलिए कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है। तीसरा प्रश्न है, भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न, केवल कृष्ण कथा नहीं, जितने मत्स्य कुर्म बराह आदि जितने अवतार हैं कथा सुनाओ। पांचवा प्रश्न है, भगवान की जो अद्भुत जस की कथा सुनाओ, कैसे एक कृष्ण शत करोड़ों गोपियों के साथ में कैसे प्रभु ने नृत्य किया है, और कृष्ण कैसे 7 साल में श्री गिरिराज को कैसे उठा लिया। बोले गिरिराज महाराज की जय। और जो छठवां प्रश्न है, भगवान जब ये जगत छोड़कर गए धर्म कलयुग में कहां पर आश्रय लिया, बोले भागवत में। ये 6 प्रश्न सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। पहले बोले अपना गुरु जी को प्रणाम करके मैं उत्तर देता हूँ, गुरु जी को प्रणाम करते हुए उन्होंने उत्तर दिया। इसलिए जो दूसरा प्रश्न था, कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय किया है, तब इसका उत्तर देते हैं, बोले कलयुग के कलयुग में ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं, प्रभु जी को पता कलयुग का जीव परिश्रम कर ही नहीं सकता है। सत्ययुग में था तपस्या, लाख लाख साल तक तपस्या करते थे, कलयुग में एक दिन ही बोलो व्रत, एकादशी का दिन अगर कोई बोले काम करना, बोले आज हमने व्रत रखा है, बोले एक दिन भी भूखे रह नहीं सकता है कलयुग में। इसलिए तृतीया युग में यज्ञ, एक यज्ञ के लिए पता नहीं कितने पैसा खर्चा होगा, कहाँ से इतना पैसा लाएगा। द्वापर युग में अर्चन कर्पूर अगुर चंदन पंच कहाँ से लाएंगे, भगवान बोले बिना पैसा बिना परिश्रम के ऐसे एक साधन होनी चाहिए, वो क्या है, भगवान का नाम है। भगवान का नाम देखना, इसमें आनंद है, इसमें कष्ट नहीं है, भगवान के कीर्तन में आनंद है। इसलिए विशेष करके कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए, बोले ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, महाप्रभु बोले मैं तुमको ये हरिनाम देता हूँ, हरिनाम को करो, इसी सहित में सब कुछ मिलेगा। ये सर्वसिद्धि, सर्वसिद्धि मतलब भगवत प्राप्ति हरिनाम से होगा। इसलिए महाप्रभु बोले ये हरिनाम को नियम से करो, ऐसे नहीं आज इच्छा हो गया माला किया, कल नहीं इच्छा हुई तो माला जहाँ के तहाँ लटक रखी। देखो गुरु जी कहते थे बात को, जब गुरु जी से ये हरिनाम लेते ही माला नहीं, कभी साक्षात ठाकुर जी गोविंद हमारे घर में आए,
कृष्ण आए, इसलिए क्या करनी चाहिए, इसकी सेवा करो। बोले सेवा कैसे करो, जब ये माला जब करते हैं ना वो ठाकुर का सेवा है, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। जब माला कर रहे हैं मतलब ठाकुर को सेवा कर रहे हैं, इसलिए महाप्रभु ने बोले माला को कभी भूखा मत रखो। क्या मत रखो, माला को भूखा नहीं रखनी चाहिए। भूखा रखना मतलब एक दिन अगर माला जप नहीं किया तो ठाकुर जी दिन भर भूखे रह गए, भूखे ही रह गए, कभी माला खुद भूखे रह जाओ, लेकिन माला को कभी भूखा नहीं रखनी चाहिए। महाराज मना करते थे, रोज कुछ ना कुछ हरिनाम माला में करो, और इसी से ही शांति सुख सब कुछ महाप्रभु बोले इसी से ही जीवन का सब कुछ मिलेगा। इसलिए हनुमान को देखो दिन भर प्रभु का नाम जप करते कि नहीं, रघुपति राघव पति तो पावन। शंकर जी को देखो कद महामंत्र जय जपत महिषा, शंकर जी पंचमुखे राम नाम गाम त्रिपुरारी। माता जी के आठ हाथ देखना, एक हाथ में माला है, एक हाथ में माला देखोगे माता जी को। ब्रह्मा जी की चार ही हाथ देखना, एक हाथ में माला है। सरस्वती की चार ही हाथ, एक हाथ में माला है। इसलिए देखना विश्व ब्रह्मांड जितने देवा देवी है ना सबके सब माला जप करते हैं। इसलिए एक भजन है ना, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई देखो कहते जपेगा कोई दिल्ली वाला नहीं है, कौन है जिसका दिल मजबूत है ना कोई माला जप कर सकता है, जिसका हृदय कमजोर हो माला नहीं कर सकता है, इसलिए जपेगा कोई दिल्ली वाला, समझ रहे हो। इसलिए आज है हर जिनको पास में माला अभी नहीं है ना, ये माला लो, हम बैठ करके रोज रोज एक एक माला जप करेंगे। इसलिए जिनको पास में माला है अपना माला निकाल लो, जिनको पास नहीं हो एक एक माला ले लो, बैठ करके पांच उंगली एक माला जप करके फिर ठाकुर जी की आरती होगी, फिर प्रसाद लेकर के जाना, सब एक एक माला ले लो और मेरे साथ में बैठ करके आंख बंद कर लो, समझो अभी हम ठाकुर जी के चरण में बैठे हैं, बाकी भैया जी के चरण में बैठ करके मेरे साथ में सबके सब मेरे साथ में हरि नाम करो। माला दे दिया सबको, हरे कृष्णा। और जिनको पास में नहीं है उसको एक एक माला ले लो और बैठ करके हम एक माला जप करेंगे, हरे कृष्णा। माला पहुंच गया, सबके सब माला करना, क्योंकि जो माला करेगा ना इसका पाप तो उड़ जाएगी, लेकिन जा करके किसको सर पर बैठेगा जो हरिनाम नहीं करेगा, इसलिए सबके सब माला जप करना। सबको दे दिया सबको माला, फटाफट दे दो, ये माला लेना नहीं वापस ले जाना, ये माला लेने के लिए नहीं दे रही, ये वापस ले जाना माला को, लेना नहीं कोई, हरे कृष्णा। हाँ मेरे साथ में बोलो सबके सब, सबके सब आंख बंद कर दो, समझो हम ठाकुर जी के चरण में राधा रमन की चरण में बैठे हुए हैं। बोलो बोलो श्री कृष्ण चैतन्य, बोलो प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। इसको बोल करके देखो मेरे तरफ में, जो नए व्यक्ति जो कभी माला जप नहीं किए हो, जिन्होंने माला कभी जप नहीं की है, मेरे तरफ में देख लो कैसे माला जप कर सिद्धार्थ में, और ये अंगुल को इसमें लगाना नहीं, ये अंगुल बहुत गंदा, हम बोलते हैं तुमको देख लेंगे, ये सबसे पहले निकलता है, ये अहंकार का प्रतीक है। ये अंगुल को बाहर निकाल करके ये बीच वाला अंगुल में रखो, बीच वाला अंगुल के ऊपर रख करके फिर जैसे मेरे तरफ में देखो, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके इसमें एक मोती सरकेगा, फिर दो मोती सरकेगा, करते करते यहाँ जब खत्म हो जाए
ये अंगुल को पार नहीं करनी चाहिए, फिर ऐसे घुमा देना, ठीक है। इसलिए मेरे साथ साथ में करो, जो करेगा नहीं ना सबका पाप उसका सर पर बैठेगा, इसलिए ऐसे नहीं। और देखो मन देकर सुनो, महाप्रभु को एक समय भक्तों ने निमंत्रण दिया, प्रभु आज हमारे घर में प्रसाद है, लेकिन महाप्रभु बोले देखो मैं सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले प्रभु किसको घर में भोजन करोगे? बोले जो लखपति बनेगा, आज से 5.5 साल पहले, ध्यान देकर सुना, बोले जो लखपति, उसी समय लखपति मतलब है जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर हो। बोले प्रभु हमारे घर में 1000 रुपया भी नहीं है, 1000 स्वर्ण मोहर हो, 1000 की बात हमारे 100 भी नहीं, 100 की नहीं 50 भी नहीं हमारे घर में। आप कह रहे हैं जिसको पास में 1 लाख रुपया हो, हमें तो कभी लखपति बन ही नहीं सकती। फिर भगवान सबको बैठाया समझाया, बोले जानते हो लखपति कौन है? बोले कौन है? बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर जी की माला जप करते हैं, 1 लाख जो माला जप करते हैं वही असली लखपति है। कुछ दिन पहले टीवी में आता था ना अमिताभ बच्चन का, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा? लेकिन भगवान कहते कौन बनेगा लखपति, इसलिए जब माला करते थे लखपति कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मेरे तरफ में देखो हरे राम 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 हरे हरे, कितना 16 बार हो गया, एक मोती सरकते, इसमें ऐसा 8 मोती है। अब यहाँ जब समाप्त हो जाए फिर दूसरे बार, अगर इसको 16 राम को कर लिया तो हो जाता है 25,000, अगर किसने 64 माला कर लिया ना हो गया 1 लाख। भगवान खुद कहते हैं 1 लाख तुमने माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई, ये भगवान खुद कहते हैं। बोले भैया ब्याज कितने मिले? मीरा कहती है बोले दीन दीन बड़ा सवायो पायो राम आज अगर 1 लाख किया ना कल तुमका 1.25 लाख और 4 दिन में 2 लाख, 4 दिन में। अब ये जो धन है ना ऊपर डिपॉजिट हो रही तुम्हारी, खाली डिपॉजिट हो रही है, ब्याज समझ आपको मिलेगी है अंतिम समय में, ठीक है। इसलिए सबके सब हरिनाम करो। देखो माला तो हम एक करेंगे लेकिन कितना फल आपको मिलेगा पता है? कितना बैठे जैसे 300 लोग यहाँ पर बैठे हुए, माला तो एक करेंगे लेकिन 300 माला करने का फल मिलेगा। क्यों? सब लोग हरिनाम करेंगे, सभी की आवाज सबकी कान में जाएगी ना। माला तो एक करोगे लेकिन 300 माला मतलब क्या? आज आपका नाम पर बैंक में कितना माल, कितने पैसा डिपॉजिट हो जाएगी? 5 लाख। कितने? 5 लाख। इसलिए सबके सब करना, तभी सभी का आवाज सबके कान में जाएगी ना। हाँ बैठ जा, आंख बंद कर लो और मेरे साथ में बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।